अब्दा ने हिशाम से इसी सनद के साथ इसी तरह हदीस बयान की। अलबत्ता उन्होंने कहा, उसी रात से खून बहने लगा और मुसलसल बहता रहा हत्ता कि वो वफात पा गए। और उन्होंने हदीस में यह इजाफा किया, कहा यही वक्त है जब एक काफिर शायर कहता है, ऐ साथ बनु मुआस के घराने, साथ वो क्या था जो बनु कुरैजा ने किया और वो क्या था जो बनु नजीर ने किया। तुम्हारी जिंदगी की कसम, बनु मुआस का साथ जिस सुबह उन लोगों ने सजा बर्दाश्त की खूब सब्र करने वाला था, तुम यानी औस के लोगों ने अपनी हड्डियां इस तरह छोड़ी कि उनमें कुछ बाकी ना बचा था, जबकि कौम यानी बनु खजरज की हांडियां गर्म थीं, उबल रही थीं, यानी उन्होंने अपने हलीफ बनु नजीर का साथ दिया था। एक करीम इंसान अबू हुबाब यानी रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल ने कहा था, बनु कैनुका मुकीम रहो, मत जाओ। वो लोग अपने शहर में बहुत वजन रखते थे यानी बावकात थे, जिस तरह जबले मीतान की चट्टाने बहुत वजन रखती हैं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4601। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला नुमा से रिवायत है, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस रोज आप जंगे अहज़ाब से लौटे हमें मुनादी कराई कि कोई शख्स बनु कुरैजा के सिवा कहीं और नमाज ज़ुहर अदा न करे। कुछ लोगों को वक्त निकल जाने का खौफ महसूस हुआ तो उन्होंने बनु कुरैजा पहुंचने से पहले ही नमाज पढ़ ली, जबकि दूसरों ने कहा चाहे वक्त खत्म हो जाए हम वही नमाज पढ़ेंगे जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। कहा तो आपने फरीकैन में से किसी को भी मलामत न की। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4602। इब्ने शिहाब ने हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की, उन्होंने कहा जब मुहाजिरीन मक्के से मदीना आए तो इस हालत में आए कि उनके पास कुछ भी न था, जबकि अंसार जमीन और जायदादों वाले थे। तो अंसार ने उनके साथ इस तरह हिस्सेदारी की कि वो उन्हें हर साल अपने अम्वाल की पैदावार का आधा हिस्सा देंगे और ये यानी मुहाजिरीन उन्हें मेहनत और मशक्कत से बेनियाज कर देंगे। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा जो उम्मे सुलेम कहलाती थी और अब्दुल्ला बिन अबी तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा जो हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु के मातरे भाई थे की भी वालिदा थी। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु की उन्हीं वालिदा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर के अपने कुछ दरख्त दिए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अपनी आजाद करदा कनीज उसामा बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की वालिदा उम्मे ऐमन रजी अल्लाह ताला अन्हा को इनायत कर दिए थे। इब्ने शिहाब ने कहा मुझे हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले खैबर के खिलाफ जंग से फारिग हुए और मदीना वापस आए तो मुहाजिरीन ने अंसार को उनके वो अतीय वापस कर दिए जो उन्होंने उन्हें अपने फलों यानी खेतों बागों में से दिए थे। कहा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी वालिदा को उनके खजूर के दरख्त वापस कर दिए और उम्मे ऐमन रजी अल्लाह ताला अन्हा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जगह अपने बाग में से एक हिस्सा अता फरमा दिया। इब्ने शिहाब ने कहा उसामा बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की वालिदा उम्मे ऐमन रजी अल्लाह ताला अन्हा के हालात ये हैं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी अब्दुल्ला बिन मुत्तलिब की कनीज थीं और वो हबशा से थीं। अपने वालिद की वफात के बाद जब हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा के हां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई तो उम्मे ऐमन रजी अल्लाह ताला अन्हा आपको गोद में उठाती और आपकी परवरिश में शरीक रहीं, यहां तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हो गए तो आपने उन्हें आजाद कर दिया। फिर जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हु से उनका निकाह करवा दिया। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से 5 माह बाद फौत हो गईं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4603। अबू बकर बिन अबी शैबा, हामिद बिन उमर बकरावी और मोहम्मद बिन अब्दुल आला कैसी सब ने मोतमर से हदीस बयान की। अल्फाज इब्ने अबी शैबा के हैं, हमें मोतमर बिन सुलेमान तैमी ने अपने वालिद के वास्ते से हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस बयान की कि कोई आदमी, जबकि हामिद और अब्दुल आला ने कहा कोई मखसूस आदमी, अपनी जमीन से खजूरों के कुछ दरख्त फुकराए मुहाजिरीन की खबरगिरी के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास कर देता था, हत्ता कि कुरैजा और बनु नजीर आपके लिए फतह हो गए
तो उसके बाद जो किसी ने आपको दिया था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे वापस करना शुरू कर दिया। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला ने कहा, मेरे घर वालों ने मुझसे कहा कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हूँ और आपसे वो सब या उसका कुछ हिस्सा मांगू जो उनके घर वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो उम्म ऐमन रजी अल्लाह तआला अन्हा को दे दिया था। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आपने वो सब का सब मुझे दे दिया। उस पर उम्म ऐमन रजी अल्लाह तआला अन्हा आई, मेरे गले में कपड़ा डाला और कहने लगे, अल्लाह की कसम हम वो दरख्त तुम्हें नहीं देंगे जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हमें दे चुके हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मे ऐमन उसे छोड़ दो, इतना इतना तुम्हारा हुआ। वो कहती थी, हर किस नहीं, उस जात की कसम जिसके सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं, और आप उसी तरह फरमाते रहे हत्ता कि आपने उसे 10 गुना या तकरीबन 10 गुना अता फरमा दिया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4604। हमें सुलेमान बिन मुगैरा ने हदीस बयान की, कहा हमें हुमैद बिन हिलाल ने अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल रजी अल्लाह तआला से हदीस बयान की। उन्होंने कहा, खैबर के दिन मुझे चर्बी का भरा हुआ चमड़े का एक थैला मिला। कहा मैंने उसे अपने साथ चिमटा लिया और कहा, आज के दिन मैं इसमें से किसी को कुछ नहीं दूंगा। कहा मैंने मुड़कर देखा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4605। बहस बिन असद ने हमें हदीस बयान की, कहा हमें शोबा ने हदीस सुनाई। कहा मुझे हुमैद बिन हिलाल ने हदीस बयान की। कहा मैंने हजरत अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल रजी अल्लाह तआला अन्हु को यह बताते हुए सुना, खैबर के दिन हमारी तरफ चमड़े का एक थैला फेंका गया जिसमें खाना और चर्बी थी। मैं उसे पकड़ने के लिए झपटा। कहा मैंने मुड़कर देखा तो पीछे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, तो मुझे आपसे बहुत हया आई। अबू दाऊद ने शोबा से इसी सनद के साथ हदीस बयान की, अलबत्ता उन्होंने चर्बी का भरा हुआ थैला कहा, खाने का जिक्र नहीं किया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4606। मामर ने हमें जोहरी से खबर दी, उन्होंने उबैदुल्ला बिन अब्दुल्ला बिन उतबा से और उन्होंने हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत की कि हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें रूबरू बताया, कहा मुआहिदे सुलह की उस मुद्दत के दौरान में जो मेरे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान थी मैं सफर पर गया। कहा उस इसना में जब मैं शाम में था, हिरकल यानी शाह रूम के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक खत लाया गया। कहा उसे दहिया कल्बी रजी अल्लाह अन्हु लेकर आए और हाकिम बुसरा के हवाले किया। बुसरा के हाकिम ने वो हिरकल तक पहुंचा दिया तो हिरकल ने कहा, क्या उस शख्स की कौम में से जो दावा करता है कि वो नबी है कोई शख्स यहाँ मौजूद है? उन्होंने कहा हाँ। तो कुरैश के कुछ अफराद समेत मुझे बुलाया गया। हम हिरकल के पास आए तो उसने हमें अपने सामने बिठाया और पूछा, तुम में से नस्ल में उस आदमी के सबसे ज्यादा करीब कौन है जो दावा करता है कि वो नबी है? अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला ने कहा, मैंने जवाब दिया मैं हूँ। तो उन लोगों ने मुझे उनके सामने बिठा दिया और मेरे साथियों को मेरे पीछे बिठा दिया। फिर उसने अपने तर्जुमान को बुलाया और उससे कहा, इनसे कह दो मैं इस आदमी से उस शख्स के बारे में पूछने लगा हूँ जो दावा करता है कि वो नबी है, अगर ये मेरे सामने झूठ बोले तो तुम लोग इसकी तकसीब कर देना। कहा अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला ने कहा, अल्लाह की कसम अगर ये डरना होता कि मेरी तरफ झूठ की निस्बत की जाएगी तो मैं झूठ बोलता। फिर उसने अपने तर्जुमान से कहा, इससे पूछो तुम में उसका हसब यानी खानदान कैसा है? कहा मैंने जवाब दिया, वो हम में हसब वाला है। उसने पूछा, क्या उसके आबाओ अजदाद में से कोई बादशाह भी था? मैंने जवाब दिया नहीं। उसने पूछा, क्या उसने नबूवत के हवाले से जो कहा उसके कहने से पहले तुम उस पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाते थे? मैंने जवाब दिया नहीं। उसने पूछा, उसके पैरोकार कौन लोग हैं, बड़े लोग हैं या कमजोर लोग हैं? मैंने जवाब दिया, बल्कि कमजोर लोग हैं। उसने पूछा, क्या वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? कहा मैंने जवाब दिया, नहीं बल्कि वो बढ़ रहे हैं। उसने पूछा, क्या उनमें से कोई उसके दीन में दाखिल होने के बाद उसे नापसंद करते हुए मुर्तद भी हो जाता है? मैंने जवाब दिया, नहीं। उसने पूछा, क्या तुमने उससे जंग भी की है? मैंने जवाब दिया, हाँ। उसने पूछा, तो तुम्हारी उससे जंग कैसी रही? मैंने जवाब दिया,
हमारे और उसके दरमियान जंग कुएं के डोल की तरह है। वो हमें नुकसान पहुंचाता है और हम उसे नुकसान पहुंचाते हैं। उसने पूछा, क्या वो बदहदी करता है? मैंने जवाब दिया, नहीं, हम उसकी जानिब से की गई सुलह के जमाने में हैं। हमें मालूम नहीं वो इसमें क्या करेगा। कहा, अल्लाह की कसम, इस एक कलमे के सिवा इसमें कोई और बात मिलाना मेरे लिए मुमकिन ना हुआ। उसने पूछा, क्या उससे पहले किसी ने वो बात कही है? मैंने जवाब दिया, नहीं। उसने अपने तर्जुमान से कहा, इनसे कहो, मैंने तुमसे उसके हसब के बारे में पूछा तो तुमने कहा कि वह तुम में ऊंचे हसब वाला है। रसूल इसी तरह होते हैं, अपने कौम के आला खानदानों में भेजे जाते हैं। और मैंने पूछा, क्या उसके आबाओ अजदाद में कोई बादशाह था तो तुमने दावा किया कि नहीं? मैंने दिल में कहा, अगर उसके आबाओ अजदाद में कोई बादशाह होता तो मैं कहता। वह आदमी अपने आबा की बादशाहत हासिल करना चाहता है। और मैंने तुमसे उसके पैरोकारों के बारे में पूछा, वो कमजोर लोग हैं या अशराफ हैं? तो तुमने कहा, बल्कि वो कमजोर लोग हैं। रसूलों के पैरोकार वही लोग होते हैं। और मैंने तुमसे पूछा कि जो वो कहता है, इससे पहले तुम उस पर झूठ का इल्जाम लगाते थे तो तुमने कहा नहीं। इस तरह मैं जान गया कि ये मुमकिन नहीं कि वो लोगों पर तो झूठ ना बोले मगर अल्लाह पर झूठ बांधने लगे। और मैंने तुमसे पूछा, क्या उसके दीन में दाखिल होने के बाद कोई उससे नाराज होकर उसके दीन से निकला है? तो तुमने कहा कि नहीं। ईमान जब दिलों में रच बस जाता है तो इसी तरह होता है। और मैंने तुमसे पूछा, क्या वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? तो तुमने कहा कि वो बढ़ रहे हैं। ईमान ऐसा ही होता है यहां तक कि वो मुकम्मल हो जाता है। और मैंने तुमसे पूछा, क्या तुमने उससे लड़ाई की? तो तुमने कहा कि हाँ, तुमने उससे लड़ाई की है और तुम्हारे और उसके दरमियान जंग डोल की तरह है। वो तुम में से लोगों को कत्ल करता है और तुम उसके लोगों में से कत्ल करते हो। रसूल इसी तरह होते हैं, उन्हें आजमाया जाता है, फिर अंजाम उन्हीं के हक में होता है। और मैंने तुमसे पूछा, क्या वो अहशिकनी करता है? तो तुमने कहा कि वो अहशिकनी नहीं करता। और रसूल इसी तरह होते हैं, वो बदहदी नहीं करते। और मैंने तुमसे पूछा, क्या उससे पहले किसी ने यह बात कही कि वो अल्लाह का रसूल है? तो तुमने कहा कि नहीं। मैंने दिल में कहा, अगर किसी ने उससे पहले यह बात कही होती तो मैं ये कहता, ये आदमी वही बात कहना चाहता है जो उससे पहले कही जा चुकी है। कहा, फिर उसने पूछा, वो तुम्हें किस चीज का हुक्म देता है? मैंने जवाब दिया, वो हमें नमाज, जकात, सिला रहमी और पाकबाजी का हुक्म देता है। उसने कहा, अगर तुम जो उसके बारे में कहते हो सच है तो बिलाशुबा वो नबी है और मैं जानता था कि उसका जहूर होने वाला है, लेकिन मैं ये नहीं समझता था कि वो तुम में से होगा। और अगर मुझे इल्म हो जाए कि मैं उन तक पहुंच सकता हूं तो मैं उनसे मिलने को महबूब रखूं, और अगर मैं उनके पास होता तो मैं उनके पांव धोता, और उनकी हुकूमत इस जमीन तक पहुंच कर रहेगी जो मेरे कदमों के नीचे है। कहा, फिर उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मंगवाया और उसे पढ़ा तो उसमें लिखा था, अल्लाह के नाम से जो बहुत ज्यादा रहम करने वाला हमेशा मेहरबानी करने वाला है, अल्लाह के रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से शाह रोम हिरकल के नाम, उस पर सलामती हो जिसने हिदायत का इत्तिबा किया। उसके बाद मैं तुम्हें इस्लाम के बुलावे के साथ दावत देता हूँ, इस्लाम कबूल कर लो, सलामती पालोगे। इस्लाम कबूल कर लो, अल्लाह तुम्हें दो बार अजर देगा। और अगर तुमने मुंह मोड़ लिया तो किसानों यानी आम लोगों का गुनाह जो तुम्हारे पीछे चलते हैं तुम पर होगा। और ए अहले किताब, उस बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान एक जैसी है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें, उसके साथ किसी चीज को शरीक न करें, हम में से कोई किसी को अल्लाह के सिवा रब न बनाए। फिर अगर वो मुंह मोड़ लें तो कह दें, तुम गवाह रहो कि हम फरमाबरदार यानी इस्लाम कबूल करने वाले हैं। जब वो खत पढ़ने से फारिग हुआ तो उसके पास आवाजें बुलंद होने लगी और शोर बढ़ गया। उसने हमारे बारे में हुक्म दिया तो हमें बाहर भेज दिया गया। कहा, जब हम बाहर निकले तो मैंने अपने साथियों से कहा, अबू कबशा के बेटे का मामला तो बहुत बड़ा हो गया है, उससे तो बनू असफर यानी अहले रूम का बादशाह भी खौफ खाता है। कहा, उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में मुझे हमेशा यकीन रहा कि वो गालिब आएंगे, यहां तक कि अल्लाह ने मुझ में ऊपर से गालिब करके इस्लाम दाखिल कर दिया। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 4607।
सालेह ने इब्न शिहाब से इसी सनद के साथ रिवायत की और हदीस में यह इजाफा किया, जब अल्लाह ने कैसर के सर पर से फारिस के लश्कर को हटा दिया तो वो उस नेमत का शुक्र अदा करने के लिए जो अल्लाह ने उस पर की थी पैदल चलकर हिम से ईलिया गया। और उन्होंने हदीस में यूं कहा, अल्लाह के बंदे और उसके रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। और उन्होंने अरिसियीन के बजाय या के साथ यरिसियीन और इस्लाम की तरफ बुलाने वाले कलिमे के साथ दावत देता हूं के अल्फाज कहे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4608। अब्दुल आला ने हमें सईद बिन अबी अरूबा से हदीस बयान की, उन्होंने कतादा से, और उन्होंने हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसरा, कैसर, नजाशी और हर मुतकब्बिर बादशाह को अल्लाह ताला की तरफ बुलाते हुए खुतूत लिख भेजे, और उससे वो नजाशी मुराद नहीं जिसकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ाई, यानी उसके बाद वाले नजाशी की तरफ खत लिखा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4609। अब्दुल वहाब बिन अता ने सईद से, उन्होंने कतादा से रिवायत की, कहा हमें हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी के मानिंद हदीस बयान की, और उन्होंने ये नहीं कहा और ये नजाशी वो नहीं था जिसकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ाई थी। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4610। खालिद बिन कैस ने कतादा से, उन्होंने हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की, और उन्होंने भी ये जिक्र नहीं किया ये नजाशी वो नहीं था जिसकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ाई थी। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4611। यूनुस ने मुझे इब्ने शहाब से खबर दी, उन्होंने कहा मुझे कसीर बिन अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हदीस बयान की, उन्होंने कहा हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा हुनैन के दिन मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद था, मैं और अबू सुफियान बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, आपसे जुदा ना हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सफेद खच्चर पर सवार थे जो फरवा बिन नुफासा जुजामी ने आपको तोहफे में दिया था। जब मुसलमानों और कुफार का आमना सामना हुआ तो मुसलमान पीठ फेर कर भागे, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खच्चर को एड़ लगाकर कुफार की जानिब बढ़ने लगे। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खच्चर की लगाम थामे हुए था, मैं चाहता था कि वो तेजी से आगे न बढ़े, और अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिकाब को पकड़ा हुआ था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्बास कीकर के दरख्त के नीचे बैत करने वालों को आवाज दो। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा और वो बुलंद आवाज वाले थे, मैंने अपनी आवाज बुलंद तरीन आवाज से पुकार कर कहा कीकर के दरख्त वाले कहाँ है? कहा अल्लाह की कसम मेरी आवाज सुनकर उनका पलटना इस तरह था जैसे गाय अपने बच्चों की आवाज सुनकर उनकी तरफ पलटती है, और वो जवाब में कहने लगे हाजिर हैं, हाजिर हैं, तो वो कुफार से भिड़ गए। फिर अंसार में बुलावा दिया गया, बुलावा देने वाले कहते थे ऐ अंसार की जमात, ऐ अंसार की जमात। फिर उस निदा को बनी हारिस बिन खजरज तक महदूद कर दिया गया, और उन्होंने कहा ऐ बनु हारिस बिन खजरज, ऐ बनु हारिस बिन खजरज, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खच्चर पर बैठे हुए गर्दन को आगे करके देखने वाले की तरह उनकी लड़ाई का जायजा लिया। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये खड़ी है कि लड़ाई का तनूर गर्म हुआ है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंकरियां पकड़ी और उन्हें काफिरों के चेहरों पर मारा, फिर फरमाया मोहम्मद के परवरदिगार की कसम वो शिकस्त खा गए। कहा मैं देखने लगा तो मेरे ख्याल के मुताबिक लड़ाई उसी तरह जारी थी। कहा अल्लाह की कसम फिर यही हुआ कि जो ही आपने उनकी तरफ कंकरियां फेंकी तो मैं देख रहा था कि उनकी धार कुंद हो गई है और उनका मामला पीछे जाने का है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4612। मुहम्मद ने हमें जोहरी से इसी सनद के साथ इसी तरह खबर दी, अलबत्ता उन्होंने फरवा बिन नुफासा की जगह नुआमा जुजामी, सही लफ्ज नुफासा ही है, कहा और कहा रब्बे काबा की कसम वो शिकस्त खा गए, रब्बे काबा की कसम वो शिकस्त खा गए। और उन्होंने हदीस में ये इजाफा किया यहां तक कि अल्लाह ने उन्हें शिकस्त दे दी।
कहा, ऐसे लगता है कि मैं अब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहा हूं कि आप उनके पीछे अपने खच्चर को एर लगा रहे हैं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4613। सुफियान बिन उयैना ने हमें जोहरी से हदीस बयान की। उन्होंने कहा, मुझे कसीर बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने अपने वाली से खबर दी। उन्होंने कहा, हुनैन के दिन मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद था। और आगे बाकी मानदा हदीस बयान की। अलबत्ता यूनुस और मामर की हदीस उन यानी सुफियान की हदीस से ज्यादा लंबी और ज्यादा मुकम्मल है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4614। अबू खैसमा ने हमें अबू इसहाक से खबर दी। उन्होंने कहा, एक आदमी ने हजरत बरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, अबू उमारा, क्या आप लोग हुनैन के दिन भाग गए थे? उन्होंने कहा, नहीं, अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुख तक नहीं फेरा। अलबत्ता आपके साथियों में से चंद नौजवान और जल्दबाज जंग के लिए निहत्ते निकले थे, जिनके जिस्म पर असलहा या बड़ा असलहा नहीं था, तो उनकी मुठभेड़ ऐसी तीरअंदाज कौम से हुई जिनका कोई तीर जमीन पर न गिरता था, यानी निशाने पर लगता था। वो बनु हवाजिन और बनु नजर के जत्थे थे। उन्होंने उन नौजवानों को इस तरह से तीरों से छेदना शुरू किया कि कोई निशाना खता न जाता था। फिर वो लोग वहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब बढ़े। आप अपने सफेद खच्चर पर थे और अबू सुफियान बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह तआला अन्हु उसे चला रहे थे। आप नीचे उतरे, अल्लाह से मदद मांगी और फरमाया, मैं नबी हूं, ये झूठ नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। फिर आपने नए सिरे से उनकी सफबंदी की और पांसा पलट गया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4615। जकरिया ने अबू इसहाक से रिवायत की। उन्होंने कहा, एक आदमी हजरत बरा रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया और पूछा, अबू उमारा, क्या आप लोग हुनैन के दिन पीठ फेर गए थे? तो उन्होंने कहा, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गवाही देता हूँ कि आपने रुख तक नहीं फेरा। कुछ जल्दबाज लोग और निहत्ते हवाजिन के उस कबीले की तरफ बढ़े, वो तीरअंदाज लोग थे। उन्होंने उन नौजवानों पर उस तरह यकबारगी इकट्ठे तीर फेंके जैसे वो टिड्डी दल हों। उस पर वो बिखर गए और वो यानी हवादिन के लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़े। अबू सुफियान बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हु आपके खच्चर को पकड़ कर चला रहे थे, तो आप नीचे उतरे, दुआ की और अल्लाह से मदद मांगी। आप फरमा रहे थे, मैं नबी हूँ, ये झूठ नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ, ऐ अल्लाह अपनी मदद नाजिल फरमा। हजरत बरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह की कसम, जब लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर जाती तो हम आपकी ओट लेते थे और हम में से बहादुर वो होता जो आपके यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कदम मिलाकर खड़ा होता। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4616। शोबा ने हमें अबू इसहाक से हदीस बयान की। उन्होंने कहा, मैंने उस वक्त हजरत बरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से सुना जब कबीला कैस के एक आदमी ने उनसे पूछा, क्या आप लोग हुनैन के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर भाग गए थे? तो हजरत बरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं भागे थे। उस जमाने में हवाजिन के लोग माहिर तीरंदाज थे, जब हमने उन पर हमला किया तो वो बिखर गए। फिर हम गनीमतों की तरफ मुतवज्जे हो गए तो वो तीरों के साथ हमारे सामने आ गए। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सफेद खच्चर पर देखा। अबू सुफियान बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हु उसकी बाग थामे हुए थे और आप फरमा रहे थे, मैं नबी हूं, ये झूठ नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4617। सुफियान से रिवायत है। उन्होंने कहा, मुझे अबू इसहाक ने हजरत बरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस बयान की। कहा, एक आदमी ने उनसे पूछा, अबू उमारा, और आगे हदीस बयान की। उनकी हदीस उन सब यानी अबू खैसमा, जकरिया और शोबा की हदीस से तफसीलात में कम है और उन सब की हदीस ज्यादा मुकम्मल है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4618। हजरत सलमा बिन अकवा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हदीस बयान की। उन्होंने कहा, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा हुनैन की जंग लड़ी। जब हमारा दुश्मन से सामना हुआ तो मैं आगे बढ़ा, फिर मैं एक घाटी पर चढ़ जाता हूँ। मेरे सामने दुश्मन का आदमी आया तो मैं उस पर तीर फेंकता हूँ, वो मुझसे छुप गया। उसके बाद मुझे मालूम नहीं उसने क्या किया।
मैंने उन लोगों का जायजा लिया तो देखा कि वो एक दूसरी घाटी की तरफ जाहिर हुए। उनका और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों का टकराव हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी पीछे हट गए और मैं भी शिकस्त खुर्दा लौटता हूँ। मुझ यानी मेरे जिस्म पर दो चादरें थीं, उनमें से एक का मैंने तहबंद बांधा हुआ था और दूसरी को ओढ़ कर रखा था तो मेरा तहबंद खुल गया। मैंने उन दोनों को इकट्ठा किया और शिकस्त खुर्दगी की हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरा। आप अपने सफेद खच्चर पर थे। मुझे देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकवाह का बेटा घबरा कर लौट आया है। जब वो हर तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमलावर हुए तो आप खच्चर से नीचे उतरे, जमीन से मिट्टी की एक मुट्ठी ली, फिर उसे सामने की तरफ उनके चेहरों पर फेंक और फरमाया, चेहरे बिगड़ गए। अल्लाह ने उनमें से किसी इंसान को पैदा नहीं किया था मगर इस एक मुट्ठी से उसकी आंखें भर दें, सो वो पीठ फेर कर भाग निकले। अल्लाह ने उसी एक मुट्ठी हाक से उन्हें शिकस्त दी और बाद अज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अमवाले गनीमत मुसलमानों में तकसीम किए। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4619। हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ताइफ का मुहासरा किया और उनमें से किसी की जान न ले सके तो आपने फरमाया इंशाअल्लाह हम कल लौट जाएंगे। आपके सहाबा ने कहा हम लौट जाएं जबकि हमने उसे फतह नहीं किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया सुबह जंग के लिए निकलो। वो सुबह निकले तो उन्हें जख्म लगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया हम कल वापस लौट जाएंगे। कहा तो उन्हें ये बात अच्छी लगी। उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4620। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अबू सुफियान की आमद की खबर मिली तो आपने मशवरा किया। कहा हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने गुफ्तगू की तो आपने उनसे एराज फरमाया। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से गुफ्तगू की तो आपने उनसे भी एराज फरमाया। उस पर हजरत साद बिन उबादा रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और कहने लगे ऐ अल्लाह के रसूल क्या आप हमसे मशवरा करना चाहते हैं? उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर आप हमें अपने घोड़े समुन्दर में डाल देने का हुक्म दें तो हम उन्हें डाल देंगे और अगर आप हमको उन्हें मामूरा अराजी के आखिरी कोने बर के गिमात तक दौड़ाने का हुक्म दें तो हम यही करेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बुलाया और वो चल पड़े हत्ता के बदर में पड़ाव डाला। उनके पास कुरैश के पानी लाने वाले ऊंट आए, उनमें बनू हज्जाज का एक सियाफाक गुलाम भी था तो उन्होंने उसे पकड़ लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी उससे अबू सुफियान और उसके साथियों के बारे में पूछताछ करने लगे तो वो कहने लगा मुझे अबू सुफियान को तो पता नहीं है, अलबत्ता अबू जहल, उत्मा, शैबा और उमैया बिन खलफ यहाँ करीब मौजूद हैं। जब उसने ये कहा वो उसे मारने लगे तो उसने कहा हाँ तुम्हें बताता हूँ अबू सुफियान उधर है। जब उन्होंने उसे छोड़ा और दोबारा पूछा तो उसने कहा अबू सुफियान को तो मुझे इल्म नहीं है, अलबत्ता अबू जहल, उत्बा, शैबा और उमैया बिन खलफ यहाँ लोगों में मौजूद हैं। जब उसने ये पहली वाली बात की तो वो उसे मारने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े नमाज पढ़ रहे थे। आपने जब ये सूरत हाल देखी तो आप सलाम फेर कर पलटे और फरमाया उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जब वो सच कहता है तो तुम उसे मारते हो और जब वो तुमसे झूठ बोलता है तो तुम उसे छोड़ देते हो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये फुलां के मरने की जगह है। आप जमीन पर अपना हाथ रखते थे और फरमाते थे यहाँ और यहाँ। कहा उनमें से कोई भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ की जगह से जरा बराबर भी इधर उधर नहीं हुआ। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4621। शैबान बिन फरोख ने हदीस बयान की। कहा हमें सुलेमान बिन मुगीरा ने हदीस सुनाई। कहा हमें साबित बुनानी ने अब्दुल्ला बिन रबाह से हदीस बयान की। उन्होंने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की। उन्होंने कहा कई वफूद हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए जब रमजान का महीना था। अब्दुल्ला बिन रबाह ने कहा हम एक दूसरे के लिए खाना तैयार करते तो अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु जो हमें अक्सर अपने क्यामगाह पर बुलाते थे एक दिन मैंने कहा
मैं भी क्यों ना खाना तैयार करूं और सबको अपने क़यामगाह पर बुलाऊं। मैंने खाना बनाने का कह दिया। फिर शाम को अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से मिला और कहा, आज की रात मेरे यहां दावत है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, तूने मुझसे पहले कह दिया, यानी आज मैं दावत करने वाला था। मैंने कहा, हाँ। फिर मैंने उन सबको बुलाया। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, ऐ अंसार की जमात, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे मुतालिक अहादीस में से एक हदीस न बताऊं? फिर उन्होंने मक्का के फतह होने का जिक्र किया। उसके बाद कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, यहां तक कि मक्के में दाखिल हो गए। फिर दो में से एक बाजू पर जुबैर रजी अल्लाह अन्हु को भेजा और दूसरे बाजू पर खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु को, अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु को उन लोगों का सरदार किया जिनके पास जिरह न थी। उन्होंने घाटी के दरमियान वाला रास्ता इख्तियार किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दस्ते में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा तो फरमाया, अबू हुरैरा। मैंने कहा, हाजिर हूं अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे साथ अंसारी के सिवा कोई ना आए। शैबान के अलावा दूसरे रावियों ने इजाफा किया। आपने फरमाया, मेरे लिए अंसार को आवाज दो। अंसार आपके इर्द गिर्द आ गए और कुरैश ने भी अपने उबाश लोगों और ताबेदारों को इकट्ठा किया और कहा, हम उनको आगे करते हैं। अगर कोई चीज कामयाबी मिली तो हम भी उनके साथ हैं। अगर उन पर आफत आई तो हम में से जो मांगा जाएगा दे देंगे, यानी दियत जुर्माना वगैरह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कुरैश के उबाशों और ताबेदारों यानी हर काम में पैरवी करने वालों को देख रहे हो? फिर आपने अपने दोनों हाथों से एक हाथ को दूसरे हाथ पर मारते हुए इशारा फरमाया, उनका सफाया कर दो, उनका फितना दबा दो। फिर फरमाया, यहां तक कि तुम मुझसे सफा पर आ मिलो। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, फिर हम चले। हम में से जो कोई काफिरों में से जिस किसी को मारना चाहता मार डालता और कोई हमारी तरफ किसी चीज यानी हथियार को आगे तक न करता, यहां तक कि अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु आए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल, कुरैश की जमात के खून मुबाह कर दिए गए और आज के बाद कुरैश न रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहब का बयान दोहराते हुए फरमाया, जो शख्स अबू सुफियान के घर के अंदर चला जाए उसको अमन है। अंसार एक दूसरे से कहने लगे, उनको यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने वतन की उल्फत और अपने कुंबे वालों पर शफकत आ गई है। अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, और वही आने लगी, और जब वही आने लगती थी तो हमसे मख्फी न रहती थी। जब वही आती तो वही का नुजूल खत्म होने तक कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अपनी आंख न उठाता था। गरज जब वही खत्म हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अंसार के लोगों। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, हम हाजिर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने ये कहा, उस शख्स के दिल में अपने गाँव की उल्फत आ गई है। उन्होंने कहा, यकीनन ऐसा तो हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरगिज़ नहीं, मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ। मैंने अल्लाह ताला की तरफ हिजरत की और तुम्हारी तरफ आया। अब मेरी जिंदगी भी तुम्हारी जिंदगी के साथ है और मौत भी तुम्हारे साथ है। ये सुनकर अंसार रोते हुए आगे बढ़े। वो कह रहे थे, अल्लाह की कसम, हमने कहा जो कहा महज अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शदीद चाहत और उनकी माइयत से महरूमी के खौफ की वजह से कहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारी तस्दीक करते हैं और तुम्हारा उज्र कबूल करते हैं। फिर लोग अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु के घर की तरफ आ गए और लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरे अस्वद के पास तशरीफ ले आए और उसको चूमा। फिर बैतुल्लाह का तवाफ किया। फिर आप बैतुल्लाह के पहलू में एक बुत के पास आए। लोग उसकी पूजा किया करते थे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में कमान थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एक तरफ से पकड़ा हुआ था। जब आप बुत के पास आए तो उसकी आंख में चुभोने लगे और फरमाने लगे, हक आ गया और बातिल मिट गया। जब अपने तवाफ से फारिग हुए तो कोहे सफा पर आए, उस पर चढ़े, यहां तक कि बैतुल्लाह की तरफ नजर उठाई और अपने दोनों हाथ उठाए। फिर अल्लाह ताला की हम्द करने लगे और अल्लाह से जो मांगना चाहा वो मांगने लगे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4622। बहास ने कहा, सुलेमान बिन मुगीरा ने हमें इसी सनद के साथ हदीस बयान की। उन्होंने हदीस में यह इजाफा किया, आपने दोनों हाथों से एक को दूसरे के साथ फेरते हुए इशारा किया।
उनको उसी तरह काट डालो जिस तरह फसल काटी जाती है। उन्होंने हदीस में ये भी कहा। उन लोगों ने कहा, अल्लाह के रसूल, हमने ये कहा था। आपने फरमाया, तो फिर मेरा नाम क्या होगा? हरगिज नहीं, मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूं। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 4623। हमें हम्माद बिन सलमा ने हदीस बयान की, कहा हमें साबित ने अब्दुल्ला बिन रबा से खबर दी। उन्होंने कहा, हम बतौर वफ्त हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह अन्हुमा के पास गए और हम लोगों में अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु भी थे। हम में से हर आदमी एक दिन अपने साथियों के लिए खाना बनाता। एक दिन मेरी बारी थी। मैंने कहा, अबू हुरैरा, आज मेरी बारी है। वो सब मेरे ठिकाने पर आए और अभी खाना नहीं खाया था। मैंने कहा, अबू हुरैरा, काश आप हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हदीस सुनाएं यहां तक कि खाना आ जाए। उन्होंने कहा, हम फतह मक्का के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु को दाएं बाजू यानी मैमना पर अमीर मुकर्रर किया और जुबैर रजी अल्लाह अन्हु को बाएं बाजू यानी मैसरा पर और अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु को प्यादों पर और अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु को प्यादों पर और वादी के अंदर के रास्ते पर तैनात किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा, अंसार को बुलाओ। मैंने उनको बुलाया, वो दौड़ते हुए आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंसार के लोगो, क्या तुम कुरैश के ओबाशों को देख रहे हो? उन्होंने कहा, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो कल जब तुम्हारा उनसे सामना हो तो उनको इस तरह काट देना जिस तरह फसल काटी जाती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पोशीदा रखते हुए हाथ से इशारा करके बताया और दाहिना हाथ बाएं हाथ पर रखा और फरमाया, अब तुमसे मुलाकात का वादा कोहे सफा पर है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला ने कहा, तो उस रोज जिस किसी ने सर उठाया उन्होंने उसको सुला दिया यानी मार डाला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पहाड़ पर चढ़े, अंसार आए, उन्होंने सफा को घेर लिया। उतने में अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला आए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल, कुरैश की जमीयत मिटा दी गई, आज से कुरैश न रहे। अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला ने कहा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई अबू सुफियान के घर में चला गया उसको अमन है और जो हथियार डाल दे उसको भी अमन है और जो अपना दरवाजा बंद कर ले उसको भी अमन है। अंसार ने कहा, आप पर अपने अजीजों की मोहब्बत और अपने शहर की उल्फत गालिब आ गई है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोगों ने कहा मुझ पर कुंबे वालों की मोहब्बत और अपने शहर की उल्फत गालिब आ गई है, देखो फिर उस सूरत में मेरा नाम क्या होगा? आपने तीन बार फरमाया, मैं मुहम्मद अल्लाह ताला का बंदा और उसका रसूल हूँ। मैंने अल्लाह के लिए तुम्हारी तरफ हिजरत की तो अब जिंदगी तुम्हारी जिंदगी के साथ है और मौत तुम्हारी मौत के साथ। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, हमने ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद चाहत और आपके माइयत से महरूमी के खौफ के अलावा किसी वजह से नहीं कहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो अल्लाह और उसका रसूल तुम दोनों को सच्चा जानते हैं और तुम्हारा तो अल्लाह और उसका रसूल दोनों तुमको सच्चा जानते हैं और तुम्हारा उज्र कबूल करते हैं। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 4624। अबू बकर बिन अबी शैबा, अमर नाकित और इब्ने अबी उमर ने अल्फाज इब्ने अबी शैबा के हैं, कहा हमें सुफियान बिन उयैना ने इब्ने अबी नजीह से हदीस बयान की। उन्होंने मुजाहिद से, उन्होंने अबू मामर से, उन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की, कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में दाखिल हुए तो काबे के गिर्द 360 बुत थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक को अपने हाथ में पकड़ी हुई लकड़ी से कुचोका देकर गिराने लगे और ये फरमाने लगे, हक आ गया और बातिल मिट गया। बिलाशुबा बातिल मिटने वाला ही है। हक आ गया और बातिल न आगाज करता है और न लौटता है। हक आ गया और बातिल न आगाज करता है और न लौटाता है, बल्कि दोनों अल्लाह अज्जा वजल जल्ला जलालू के काम है। इब्ने अबी उमर ने इजाफा किया, फतह मक्का के दिन। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 4625।
सौरी ने इब्ने अबी नजीह से इसी सनद के साथ जहूका यानी पहली आयत के आखिर तक रिवायत की, दूसरी आयत बयान नहीं की और नुस्बन के बजाय सोनामन कहा, दोनों के माना बुत के हैं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4626। अली बिन मुसहर और वकीअ ने जकरिया से, उन्होंने शाबी से रिवायत की, उन्होंने कहा मुझे अब्दुल्ला बिन मुती ने अपने बाप मुतिया बिन अस्वद रजी अल्लाह तआला अन्हु से खबर दी, उन्होंने कहा जिस दिन मक्का फतह हुआ मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हुए सुना, आज के बाद क़यामत तक कोई कुरैशी बांध कर कत्ल न किया जाए। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4627। अब्दुल्ला बिन नुमैर ने कहा हमें जकरिया ने इसी सनद के साथ यही हदीस सुनाई और ये इजाफा किया, कहा उस दिन कुरैश के आस यानी नाफरमान नाम के लोगों में से मुती के सिवा कोई मुसलमान नहीं हुआ, उसका नाम तख़फीफ के साथ आस और तख़फीफ के बगैर आसी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम बदल कर मुतिया रख दिया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4628। मुआज अंबरी ने कहा हमें शोबा ने अबू इसहाक से हदीस सुनाई, उन्होंने कहा मैंने बरा बिन आजिब रजी अल्लाह तआला को कहते हुए सुना, हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने उस सुलह का मुआहिदा लिखा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुशरिकों के दरमियान हुदैबिया के दिन हुई थी। उन्होंने लिखा ये मुआहिदा है जिस पर तहरीरी सुलह की अल्लाह के रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उन लोगों यानी मुशरिकों ने कहा अल्लाह के रसूल मत लिखिए, इसलिए कि अगर हम यकीन जानते कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो हम आपसे न लड़ते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया इस लफ्ज को मिटा दो। उन्होंने अर्ज की जो इस लफ्ज को मिटाएगा वो मैं नहीं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपने हाथ से मिटा दिया। कहा उन्होंने जो शर्तें रखी उनमें यह भी था कि मुसलमान मक्के में आए और 3 दिन तक मुकीम रहें और हथियार लेकर मक्के में दाखिल ना हो इल्ला ये कि चमड़े के थैले में हो। शोबा ने कहा मैंने अबू इसहाक से कहा चमड़े के थैले से क्या मुराद है, उन्होंने कहा नियाम और जो उसके अंदर है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4629। मोहम्मद बिन जाफर ने कहा हमें शोबा ने अबू इसहाक से हदीस बयान की, उन्होंने कहा मैंने हजरत बरा बिन आजिब रजी अल्लाह तआला अन्हु से सुना, कह रहे थे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया में आकर सुलह की गुफ्तगू करने वालों से सुलह की तो उनके माबैन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तहरीर लिखी, कहा उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा, फिर मुआज की हदीस की तरह बयान किया मगर उन्होंने ये है जिस पर तहरीर सुलह की का जुमला बयान नहीं किया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4630। इसहाक बिन इब्राहिम हंजली और अहमद बिन जनाब मिस्रीसी दोनों ने ईसा बिन यूनुस से लफ्ज इसहाक के हैं रिवायत की, कहा हमें ईसा बिन यूनुस ने खबर दी हमें जकरिया ने अबू इसहाक से हदीस बयान की, उन्होंने बरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की, उन्होंने कहा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल्लाह के पास रोक लिया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मक्के वालों ने इस बात पर सुलह की कि आइंदा साल मक्के में दाखिल हों और 3 दिन तक उसमें रहें और हथियार रखने के थैलों तलवार और उसके नियाम के अलावा कोई हथियार लेकर इस शहर में दाखिल न हो और किसी मक्के वाले को अपने साथ न ले जाएं और उनके साथ आने वालों में से जो वहां रह जाए यानी मुशरिकों का साथ कबूल कर ले तो उसको मना न करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया इस शर्त को हमारे दरमियान लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये है जिस पर बाहमी फैसला किया अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मुशरिक बोले अगर हम ये यकीन जानते कि आप अल्लाह ताला के रसूल हैं तो आपकी पैरवी करते, बल्कि यूं लिखिए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया उन अल्फाज को मिटा दें, उन्होंने कहा अल्लाह की कसम मैं अपने हाथ से न मिटाऊंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा मुझे इस जुमले की जगह दिखाओ, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दिखा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मिटा दिया और इब्ने अब्दुल्लाह लिख दिया, यानी जब हस्बे मुआहिदा अगले साल आकर उम्रा अदा फरमाया तो 3 रोज ही मक्का मुआज़मा में रहे, जब 3रा दिन हुआ
तो मुशरिकों ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, ये तुम्हारे साहब की शर्त का आखिरी दिन है, उनसे कहो अब वो चले जाएं। उन्होंने आपको बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से निकल आए। इब्ने जनाब ने हमें आपकी पैरवी करते के बजाय हम आपकी बैत करते कहा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4631। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि कुरैश ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसालहत की, उनमें सुहैल बिन अम्र रजी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, लिखो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुहैल कहने लगे, जहां तक बिस्मिल्लाह का ताल्लुक है तो हम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को नहीं जानते, लेकिन वो लिखो जिसे हम जानते हैं, बिस्मिकल्लाहुम्मा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिखो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से। वो लोग कहने लगे, अगर हम यकीन जानते कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो हम आपकी पैरवी करते, लेकिन अपना और अपने वालिद का नाम लिखो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिखो मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह की तरफ से। उन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शर्त लगाई कि आप लोगों में से जो हमारे पास आ जाएगा हम उसे आप लोगों को वापस न करेंगे, और हम में से जो आपके पास आया आप उसे हमको वापस कर देंगे। सहाबा ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या हम ये लिख दें? फरमाया, हाँ, हम में से जो शख्स इनके पास चला गया तो उसे अल्लाह ने हमसे दूर कर दिया, और इनमें से जो हमारे पास आएगा अल्लाह उसके लिए कुशादगी और निकलने का रास्ता पैदा फरमा देगा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4632। हबीब बिन अबी साबित ने अबू वाइल शकीक से रिवायत की, उन्होंने कहा, सहल बिन हुनैफ रजी अल्लाह तआला अन्हु जंगे सिफीन के रोज खड़े हुए और लोगों को मुखातब करके कहा, लोगों, अमीरुल मोमिनीन पर इल्जाम लगाने के बजाय खुद को इल्जाम दो, यानी सुलह को मुस्तरद करके अल्लाह और उसके बताए हुए रास्ते से तुम हट रहे हो। हम हुदैबिया के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह थे, और अगर हम जंग ही को नागुजीर देखते तो जंग कर गुजरते। ये उस सुलह का वाकया है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुशरिकीन के दरमियान हुई। अब तो मुसलमानों के दो गिरोहों का मामला है। उमर इब्न अल खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, अल्लाह के रसूल, क्या हम हक पर और वो बातिल पर नहीं? आपने फरमाया, क्यों नहीं? अर्ज किया, क्या हमारे मकतूल जन्नत में और उनके मकतूल आग में न जाएंगे? फरमाया, क्यों नहीं? अर्ज की, तो हम अपने दीन में नीचे लगकर सुलह क्यों करें, यानी नीचे लगकर क्यों सुलह करें और इस तरह क्यों लौट जाएं कि अल्लाह ने हमारे और उनके दरमियान फैसला नहीं किया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खत्ताब के बेटे, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, यानी उसके हुक्म से सुलह कर रहा हूँ, अल्लाह मुझे कभी जाया नहीं करेगा। कहा, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु गुस्से के आलम में चल पड़े और सब्र न कर सके। वो अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए और कहा, ऐ अबू बकर, क्या हम हक पर और वो बातिल पर नहीं? कहा, क्यों नहीं? कहा, क्या हमारे मकतूल जन्नत में और उनके मकतूल आग में नहीं? उन्होंने कहा कि क्यों नहीं? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, तो हम अपने दीन में नीचे लगकर, यानी जैसी सुलह वो चाहते हैं उन्हें क्यों दें और इस तरह क्यों लौट जाएं कि अल्लाह ने हमारे और उनके दरमियान फैसला नहीं किया? तो उन्होंने कहा, इब्ने खत्ताब, वो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह उन्हें हरगिज कभी जाया नहीं करेगा। कहा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फतह की खुशखबरी के साथ कुरान उतरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलवाया और उन्हें जो नाजिल हुआ था वो पढ़वाया। उन्होंने अर्ज की, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या ये फतह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। तो उस पर उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का दिल खुश हो गया और वो लौट आए। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4633। अबू कुरैब मोहम्मद बिन अला और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन नुमैर दोनों ने कहा, हमें अबू मुआविया ने आमज से, उन्होंने शकीक बिन सलमा अबू वाइल से रिवायत की, उन्होंने कहा, मैंने सिफीन में सहल बिन हुनैफ रजी अल्लाह तआला अन्हु को यह कहते हुए सुना, लोगो, अपनी राय पर गलत होने का इल्जाम लगाओ। अल्लाह की कसम, मैंने अबू जंदल रजी अल्लाह तआला अन्हु के वाके के दिन अपने आप को इस हालत में देखा कि अगर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुलह के मामले को रद्द कर सकता तो रद्द कर देता। अल्लाह की कसम,
हमने कभी किसी काम के लिए अपने कंधों पर तलवारें नहीं रखी थी, मगर उन तलवारों ने हमारे लिए ऐसे मामले तक पहुंचने में आसानी कर दी जिसको हम जानते थे, सिवाय तुम्हारे मौजूदा मामले के। इब्ने नुमैर ने कभी किसी मामले के लिए के अल्फाज बयान नहीं किए। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4634। जरीर और वकीर दोनों ने आमस से इसी सनद के साथ रिवायत की। उन दोनों की हदीस में ये अल्फाज हैं, ऐसे काम की तरफ जो हमें मुश्किल में मुब्तला कर रहा था। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4635। अबू हुसैन ने अबू वाइल से रिवायत की, उन्होंने कहा मैंने सिफीन में सहल बिन हुनैफ रजी अल्लाह तआला से सुना, वो कह रहे थे अपने दीन के मुकाबले में अपनी राय पर इल्जाम धरो। अबू जंदल रजी अल्लाह तआला के वाक़े के दिन मैंने खुद को इस हालत में देखा कि अगर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले को रद्द कर सकता तो हाशा वकल्ला रद्द कर देता, लेकिन यह मामला ऐसा है कि हम इसके कोने को मजबूत नहीं कर पाते कि हमारे सामने इसका दूसरा कोना खुल जाता है, क्योंकि ये मुसलमानों का आपस में इख्तिलाफ है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4636। सईद बिन अबी अरूबा ने हमें कतादा से हदीस सुनाई कि हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला ने उन्हें हदीस सुनाई, कहा जब आयत इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना लियगफिर लक अल्लाह इला फौजन अजीमा यहां तक उतरी तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुदैबिया से वापसी का मौका था और लोगों के दिलों में गम और दुख की कैफियत तारी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया में कुर्बानी के ऊंट नहर कर दिए थे तो उस मौके पर आपने फरमाया मुझ पर एक ऐसी आयत नाजिल की गई है जो मुझे पूरी दुनिया से ज्यादा महबूब है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4637। मोतमर के वालिद सुलेमान, हम्माम और शैबान सब ने कतादा से रिवायत की, उन्होंने हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से सईद बिन अबी अरूबा की हदीस की तरह रिवायत की। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4638। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया कि जंगे बद्र में मेरे शामिल न होने की वजह सिर्फ ये थी कि मैं और मेरे वालिद हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु जो यमान के लकब से मारूफ थे दोनों निकले तो हमें कुफारे कुरैश ने पकड़ लिया और कहा तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना चाहते हो। हमने कहा उनके पास जाना नहीं चाहते, हम तो सिर्फ मदीना मुनव्वरा जाना चाहते हैं। उन्होंने हमसे अल्लाह के नाम पर यह अहद और मीसाक लिया कि हम मदीने जाएंगे लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर जंग नहीं करेंगे। हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर आपको यह खबर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम दोनों लौट जाओ, हम उनसे किया हुआ अहद पूरा करेंगे और उनके खिलाफ अल्लाह ताला से मदद मांगेंगे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4639। इब्राहिम तैमी के वालिद यजीद बिन शरीक से रिवायत है, उन्होंने कहा हम हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास थे, एक आदमी ने कहा अगर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक को पा लेता तो आपकी मईयत में जिहाद करता और खूब लड़ता। हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया क्या तुम ऐसा करते? मैंने ग़ज़वे अहज़ाब की रात हम सबको देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, हमें तेज हवा और सर्दी ने अपनी गिरफ्त में ले रखा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या कोई ऐसा मर्द है जो मुझे उस कौम के अंदर की खबर ला दे? क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको मेरे साथ रखे। हम खामोश रहे और हम में से किसी ने आपको कोई जवाब न दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कोई शख्स है जो मेरे पास उन लोगों की खबर ले आए, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको मेरे साथ रखे। हम खामोश रहे और हम में से किसी ने कोई जवाब न दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया है कोई शख्स जो उन लोगों की खबर ला दे, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको मेरी रफाकत अता फरमाए। हम खामोश रहे, हम में से किसी ने कोई जवाब न दिया। आपने फरमाया हुज़ैफा खड़े हो जाओ और तुम मुझे उनकी खबर ला के दो। जब आपने मेरा नाम लेकर बुलाया तो मैंने उठने के सिवा कोई चारा न पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ उन लोगों की खबरें मुझे ला दो और उन्हें मेरे खिलाफ भड़का न देना, यानी कोई ऐसी बात या हरकत न करना कि तुम पकड़े जाओ और वो मेरे खिलाफ भड़क उठें। जब मैं आपके पास से गया तो मेरी हालत ये हो गई
जैसे मैं हमाम में चल रहा हूँ, यानी पसीने में नहाया हुआ था, यहाँ तक कि मैं उनके पास पहुंचा। मैंने देखा कि अबू सुफियान अपने पुश्त आग से सेंक रहा है। मैंने तीर को कमान के वस्त पे रखा और उसको निशाना बना देना चाहा। फिर मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान याद आ गया कि उन्हें मेरे खिलाफ भड़का न देना कि जंग और तेज हो जाए। अगर मैं उस वक्त तीर चला देता तो वो निशाना बन जाता। मैं लौटा तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं हमाम में चल रहा हूँ। फिर जब मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ तो मैंने आपको उन लोगों की सारी खबर बताई और मैं फारिग हुआ तो मुझे ठंड लगने लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपनी उस अबा का बचा हुआ हिस्सा उड़ा दिया जो आपके जिस्म आथर पर थी। आप उसमें नमाज पढ़ रहे थे। मैं उसको ओढ़कर सुबह तक सोता रहा। जब सुबह हुई तो आपने फरमाया, ऐ खूब सोने वाले, उठ जाओ। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 4640। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि जंगे उहुद के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार के साथ और कुरैश के दो आदमियों यानी साद बिन अबी वकास और तलहा बिन उबैदुल्लाह तैमी रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ लश्कर से अलग करके तन्हा कर दिए गए। जब उन्होंने आपको घेर लिया तो आपने फरमाया, उनको हमसे कौन हटाएगा, उसके लिए जन्नत है, या फरमाया वो जन्नत में मेरा रफीक होगा। तो अंसार में से एक शख्स आगे बढ़ा और उस वक्त तक लड़ता रहा यहां तक कि वो शहीद हो गया। उन्होंने फिर से आप घेर लिया। आपने फरमाया, उन्हें कौन हमसे दूर हटाएगा, उसके लिए जन्नत है, या फरमाया वो जन्नत में मेरा रफीक होगा। फिर अंसार में से एक शख्स आगे बढ़ा, वो लड़ा हत्ता कि वो शहीद हो गया। फिर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा हत्ता कि वो सातों अंसारी शहीद हो गए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कुरैशी साथियों से फरमाया, हमने अपने साथियों के साथ इंसाफ नहीं किया। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 4641। अबू हाजिम के बेटे अब्दुल अजीज ने अपने वाली से बयान किया कि उन्होंने हजरत सहल बिन साद रजी अल्लाह तआला अन्हु से सुना। उनसे जंग उहद के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जख्मी होने के मुतालिक सवाल किया जा रहा था। उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक जख्मी हो गया था और सामने सनाया के साथ का एक दांत और रुबाई टूट गया था और खौद सर मुबारक पर टुकड़े टुकड़े हो गया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी सय्यदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा आपके चेहरे से खून धो रही थीं और हजरत अली इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हो ढाल से उस जख्म पर पानी डाल रहे थे। जब सय्यदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने यह देखा कि पानी डालने से खून निकलने में इजाफा हो रहा है तो उन्होंने चटाई का एक टुकड़ा लेकर जलाया, वो राख हो गया। फिर उसको जख्म पर लगा दिया तो खून रुक गया। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 4642। याकूब बिन अब्दुर्रहमान अलकारी ने अबू हाजिम से बयान किया कि उन्होंने हजरत सहल बिन साद रजी अल्लाह तआला अन्हु से सुना। उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जख्म के मुतालिक सवाल किया जा रहा था। उन्होंने कहा, सुनो, अल्लाह की कसम, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जख्म कौन धो रहा था और पानी कौन डाल रहा था और आपके जख्म पर कौन सी दवाई लगाई गई थी। फिर अब्दुल अजीज की हदीस की तरह बयान किया मगर उन्होंने ये इजाफा किया और आपका चेहरा अनवर जख्मी हो गया और खौद टुकड़े टुकड़े हो गया कि जगह टूट गया कहा। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 4643। इब्ने उयैना, सईद बिन अबी हिलाल और मोहम्मद बिन मुतर्रिफ इन सब ने अबू हाजिम से, उन्होंने हजरत सहल बिन साद रजी अल्लाह तआला अन्हु से यही हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की। इब्ने अबी हिलाल की हदीस में है, आपका चेहरा मुबारक निशाना बनाया गया और इब्ने मुतर्रिफ की हदीस में है, आपका चेहरा मुबारक जख्मी हुआ। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 4644। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि जंगे उहुद के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सनाया के साथ वाला रबाई दांत टूट गया और आपके सर अकदस में जख्म लगा। आप अपने सर से खून पोंछते थे और फरमाते थे, वो कौम कैसे फलाह पाएगी जिसने अपने नबी के सर में जख्म लगाया और उसका रबाई का दांत तोड़ दिया और वो उन्हें अल्लाह की तरफ बुला रहा था। उस मौके पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, इस मामले में आपके हाथ में कोई चीज नहीं कि वो अल्लाह उनकी तरफ तवज्जो फरमाए या उनको अजाब दे कि वो जालिम है।
सही मुस्लिम हदीस नंबर 4645। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन नुमैर ने हमें हदीस बयान की, कहा हमें वकीर ने हदीस बयान की, कहा हमें आमश ने शकीक से हदीस बयान की। उन्होंने अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की, उन्होंने कहा जैसे मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देख रहा हूँ, आप अंबिया में से एक नबी का वाकया बयान फरमा रहे थे जिन्हें उनके कौम ने मारा। वो अपने चेहरे से खून पोंछ रहे थे और ये फरमा रहे थे, ऐ अल्लाह मेरी कौम को मुआफ फरमा दे, वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4646। अबू बकर बिन अबी शैबा ने कहा हमें वकीर और मोहम्मद बिन बिशर ने आमश से इसी सनद के साथ रिवायत बयान की। इसमें उन्होंने ये कहा तो वो नबी अलैहिस्सलाम अपनी पेशानी से खून पोंछते जाते थे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4647। हम्माम बिन मुनब्बे से रिवायत है, कहा ये हदीस है जो हमें हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान की। उन्होंने कई अहादीस बयान की, उनमें से एक ये है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस कौम पर अल्लाह का गजब शदीद हो गया जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये किया। आप उस वक्त अपने रबाई दान की तरफ इशारा फरमा रहे थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला उस शख्स पर सख्त गजबनाक होता है जिसको अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में जिहाद करते हुए कत्ल कर दे। अल्लाह ताला उस शख्स पर सख्त गजबनाक होता है जिसको अल्लाह का रसूल अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए कत्ल कर दे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4648। जकरिया बिन अबी जायदा ने अबू इसहाक से, उन्होंने अमर बिन मैमून औदी से, उन्होंने इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की। उन्होंने कहा एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के पास नमाज पढ़ रहे थे। अबू जहल और उसके साथी भी बैठे हुए थे और एक दिन पहले एक ऊंटनी ज़िबा हुई थी। अबू जहल ने कहा तुम में से कौन उठकर बनी फुलां के मोहल्ले से ऊंटनी के बच्चे वाली छिल्ली यानी बच्चेदानी लाएगा और मोहम्मद सजदे में जाए तो उसको उनके कंधों के दरमियान रख देगा। कौम का सबसे बदबख्त शख्स यानी उकबा बिन अबी मुआइत उठा और उसको ले आया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो उसने वो झिल्ली आपके कंधों के दरमियान रख दी। फिर वो आपस में खूब हंसे और एक दूसरे पर गिरने लगे। मैं खड़ा हुआ देख रहा था, काश मुझे कुछ भी तहफ्फुज़ हासिल होता तो मैं उस झिल्ली को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूंछ से उठाकर फेंक देता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे, अपने सर मुबारक नहीं उठा रहे थे। हत्ता कि एक शख्स ने जाकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा को खबर दी। वो आई, हालांकि वो उस वक्त कम सिन बच्ची थीं। उन्होंने वो झिल्ली उठाकर आपसे दूर फेंकी। फिर वो उन लोगों की तरफ मुतवज्जे हुई और उन्हें सख्त सुस्त कहा। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाज मुकम्मल कर ली तो आपने बाआवाज़ बुलंद उनके खिलाफ दुआ की। आप जब कोई दुआ करते थे तो तीन मरतबा दोहराते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कुछ मांगते तो तीन मरतबा मांगते थे। फिर आपने तीन मरतबा फरमाया ऐ अल्लाह कुरैश पर गिरफ्त फरमा। जब कुरैश ने आपकी आवाज सुनी तो उनकी हंसी जाती रही और वह आपकी बद्दुआ से खौफजदा हो गए। आपने फिर बद्दुआ फरमाई ऐ अल्लाह अबू जहल बिन हिशाम पर गिरफ्त फरमा और उतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, वलीद बिन उकबा, उमैया बिन खलब, उकबा बिन अबी मुआइद पर गिरफ्त फरमा। अबू इसहाक ने कहा उन्होंने यानी अमर बिन मैमून ने सातवें शख्स का नाम भी लिया था लेकिन वो मुझे याद नहीं रहा। बाद अज़ां अबू इसहाक को सातवें शख्स उमारा बिन वलीद का नाम याद आ गया था। इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा उस जात की कसम जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ मबऊस किया है जिनका आपने नाम लिया था, मैंने बदर के दिन उनको मकतूल पड़े देखा, फिर उन सबको घसीट कर कुएं यानी बदर के कुएं की तरफ ले जाया गया और उन्हें उसमें डाल दिया गया। अबू इसहाक ने कहा इस हदीस में वलीद बिन उकबा का नाम गलत है, सही वलीद बिन उतबा है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4649। शुबा ने कहा मैंने अबू इसहाक से सुना, वो अमर बिन मैमून से हदीस बयान कर रहे थे। उन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की कि एक मर्तबा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे और आपके गिर्द कुरैश के लोग बैठे हुए थे कि उकबा बिन अबी मुआइद एक ज़िबा की हुई ऊँटनी के बच्चे वाली छिल्ली लेकर आया
और उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर फेंक दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर न उठाया। फिर सय्यदा फातिमा रजी अल्लाह तआला ने आई और झिल्ली को आपकी पुश्त से उठाया और जिन लोगों ने यह हरकत की थी उनको बद्दुआ दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया, ऐ अल्लाह, कुरैश के इस गिरोह पर गिरफ्त फरमा। अबू जहल बिन हिशाम, उतबा बिन रबिया, शाइबा बिन रबिया, उकबा बिन अबी मुआइद और उमैया बिन खलब या उबई बिन खलब, शोबा को शक है, इन पर गिरफ्त फरमा। हजरत इबन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मैंने उनको देखा, वो जंगे बदर के दिन कत्ल किए गए और उनको कुएं में डाल दिया गया। अलबत्ता उमैया बिन खलब या उबई बिन खलब के जोड़ जोड़ कट चुके थे, उसे घसीट कर कुएं में नहीं डाला जा सका। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4650। सुफियान ने अबू इसहाक से इसी सनद के साथ इसी तरह रिवायत की और इसमें यह इजाफा किया कि आप तीन बार दुआ करना पसंद फरमाते थे और आपने तीन बार फरमाया, ऐ अल्लाह कुरैश पर गिरफ्त फरमा, ऐ अल्लाह कुरैश पर गिरफ्त फरमा, ऐ अल्लाह कुरैश पर गिरफ्त फरमा, और उसमें वलीद बिन उतबा और उमैया बिन खलफ का नाम लिया। उबई बिन खलफ और उमैया बिन खलफ के नामों में शक नहीं किया। अबू इसहाक ने कहा, सातवां शख्स मैं भूल गया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4651। जुहैर ने हमें हदीस बयान की, कहा हमें अबू इसहाक ने अमर बिन महमून से, उन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से हदीस बयान की। उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके कुरैश के छह आदमियों के खिलाफ बद्दुआ की। उनमें अबू जहल, उमैया बिन खलफ, उतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया और उकबा बिन अबी मुआइद थे। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने उनको बद्र के मैदान में औंधे पड़े हुए देखा। धूप ने उनके लाशों को मुतगय्यर कर दिया था और वो एक गर्म दिन था। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4652। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया मुहतरमा हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने हदीस बयान की कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या आप पर कोई ऐसा दिन भी आया जो उहद के दिन से ज्यादा शदीद हो? आपने फरमाया, मुझे तुम्हारी कौम से बहुत तकलीफ पहुंची जब मैं खुद को इब्ने अब्दे या लैल बिन अब्दे गुलाल के सामने ले गया, यानी उसको दावत इस्लाम दी, लेकिन जो मैं चाहता था उसने मेरी बात न मानी। मैं गमजदा होकर चल पड़ा और करने साली पर पहुंचकर ही मेरी हालत बेहतर हुई। मैंने सर उठाया तो मुझे एक बादल नजर आया, उसने मुझ पर साया किया हुआ था। मैंने देखा तो उसमें जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने मुझे आवाज देकर कहा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जो कुछ आपने अपने कौम से कहा वो और उन्होंने जो आपको जवाब दिया वो सब सुन लिया। अल्लाह ताला ने पहाड़ों का फरिश्ता आपकी तरफ भेजा है ताकि आप उन कुफार के मुतालिक उसको जो चाहे हुक्म दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मुझे पहाड़ों के फरिश्ते ने आवाज दी और सलाम किया, फिर कहा, ऐ मुहम्मद, अल्लाह ताला ने आपके कौम की तरफ से आपको दिया गया जवाब सुन लिया। मैं पहाड़ों का फरिश्ता हूँ और मुझे आपके रब ने आपके पास भेजा है कि आप मुझे जो चाहे हुक्म दें। अगर आप चाहें तो मैं इन दोनों सगलख पहाड़ों को उठाकर उनके ऊपर रख दूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, बल्कि मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी पुश्तों से ऐसे लोग निकालेगा जो सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4653। अबू अवाना ने अस्वद बिन कैस से, उन्होंने हजरत जुंदु बिन सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की। उन्होंने कहा, उन जंगों में से एक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली खून आलूद हो गई तो आपने फरमाया, तू एक उंगली ही है जो जख्मी हुई और तूने जो तकलीफ उठाई वो अल्लाह की राह में है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4654। इब्ने उयैना ने अस्वद बिन कैस से इसी सनद के साथ रिवायत की और कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लश्कर में थे और वहां आपकी उंगली जख्मी हो गई।
सही मुस्लिम हदीस नंबर 4655। सुफियान बिन असवद बिन कैस से रिवायत की कि उन्होंने जुंदुब रजी अल्लाह तआला अन्हु को यह कहते हुए सुना कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम की आमद में ताखीर हो गई। मुशरिकीन कहने लगे कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलविदा कह दिया गया तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने यह नाजिल फरमाया, कसम है धूप चढ़ते वक्त की और कसम है रात की जब वो छा जाए, ऐ नबी आपके रब ने न आपको रुख्सत किया और न बेजार हुआ। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4656। जुहैर ने असवद बिन कैस से हदीस बयान की, उन्होंने कहा मैंने जुंदुब बिन सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु से सुना, कह रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए और दो या तीन रातें उठ न सके तो एक औरत आपके पास आई और कहने लगी, ऐ मोहम्मद मुझे लगता है कि आपके शैतान ने आपको छोड़ दिया है, मैंने दो या तीन रातों से उसे आपके करीब आते नहीं देखा। कहा उस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, कसम है धूप चढ़ते वक्त की और रात की जब वो छा जाए, ऐ नबी आपके रब ने न आपको रुख्सत किया और ना वो बेजार हुआ। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4657। शोबा और सुफियान सौरी ने असवद बिन कैस से इसी सनद के साथ उन दोनों की हदीस की तरह हदीस बयान की। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4658। मामर ने जोहरी से, उन्होंने उरवा बिन जुबैर से खबर दी कि उसामा बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने उन्हें बताया कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गधे पर सवारी फरमाई, उस पर पालान था और उसके नीचे फदक की बनी हुई एक चादर थी। आपने उसामा बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हुमा को पीछे बिठाया हुआ था। आप कबीले बनु हारिस बिन खजरत में हजरत साद बिन उबादा रजी अल्लाह तआला अन्हु की इयादत करना चाहते थे। यह जंगे बदर से पहले का वाकया है। आप रास्ते में एक मजलिस से गुजरे जहां मुसलमान बुतपरस्त और मुशरिक और यहूदी मिले जुले मौजूद थे। उनमें अब्दुल्ला बिन उबई भी था और मजलिस में अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद थे। जब सवारी की गर्द मजलिस की तरफ उठी तो अब्दुल्ला बिन उबई ने चादर से अपनी नाक ढांप ली और कहने लगा, हम पर गर्द न उड़ाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सबको सलाम किया, रुक गए। फिर आप सवारी से उतरे, उन लोगों को इस्लाम की दावत दी और उन पर कुरान मजीद की तिलावत की। अब्दुल्ला बिन उबई ने कहा, ऐ शख्स इससे अच्छी बात और कोई नहीं होगी कि जो कुछ आप कह रहे हैं अगर वो सच है तो भी हमारी मजलिसों में आकर हमें तकलीफ न पहुंचाए और अपने घर लौट जाए और हम में से जो शख्स आपके पास आए उसको सुनाए। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, आप हमारी मजलिस में तशरीफ लाएं, हम इसको पसंद करते हैं। फिर मुसलमान यहूद और बुत परस्त एक दूसरे को बुरा भला कहने लगे, यहां तक कि एक दूसरे पर टूट पड़ने पर तैयार हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मुसलसल धीमा करते रहे। फिर आप अपनी सवारी पर बैठे, हजरत साद बिन उबादा रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास गए और फरमाया, साद आपने नहीं सुना कि अबू हुबाब ने क्या कहा है? आपकी मुराद अब्दुल्ला बिन उबई से थी। उसने इस तरह कहा है। हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह उसको मुआफ कर दीजिए और उसे दरगुजर कीजिए, बेशक अल्लाह ताला ने आपको जो अता किया है सो किया है। इस नशेबी नखलिस्तानी इलाके में बसने वालों ने मिलजुल कर यह तय कर लिया था कि उसको बादशाहत का ताज पहनाएंगे और उसके सर पर रियासत का अमामा बांधेंगे। फिर जब अल्लाह ताला ने उस हक के जरिए जो आपको अता फरमाया है उस फैसले को रद्द कर दिया तो इस बिना पर उसको हक में फंदा लग गया और आपने जो देखा है उसने उसी बिना पर किया है, सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मुआफ कर दिया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4659। उकैल ने इब्ने शिहाब ज़ोहरी से इसी सनद के साथ उसी के मानिंद रिवायत की और ये इजाफा किया, ये अब्दुल्ला बिन उबई के जाहरी तौर पर इस्लाम का ऐलान करने से पहले का वाकया है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4660। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की गई, क्या ही अच्छा हो अगर आप इस्लाम की दावत देने के लिए अब्दुल्ला बिन उबई के पास भी तशरीफ ले जाएं
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गधे पर सवारी फरमाकर उसकी तरफ गए और मुसलमान भी गए। वो शोरीली जमीन थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास पहुंचे तो वो कहने लगा, मुझसे दूर रहें, अल्लाह की कसम आपके गधे की बू से मुझे अजियत हो रही है। अंसार में से एक शख्स ने कहा, अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गधा तुमसे ज्यादा खुशबूदार है। उस पर अब्दुल्ला बिन उबई की कौम में से एक शख्स उसकी हिमायत में गुस्से में आ गया। कहा, दोनों में से हर एक के साथ गुस्से में आ गए। कहा, तो उनमें हाथों छड़ियों और जोतों के साथ लड़ाई होने लगी। फिर हमें ये बात पहुंची कि उन्हीं के बारे में ये आयत नाजिल हुई, अगर मुसलमानों की दो जमातें आपस में लड़ पड़े तो उन दोनों के दरमियान सुलह कराओ। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 4661। इस्माइल बिन उलैया ने कहा, हमें सुलेमान तैमी ने हदीस बयान की। कहा, हमें हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हदीस सुनाई। उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारी खातिर कौन जाकर देखेगा कि अबू जहल का क्या बना। उस पर हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु चले गए। उन्होंने देखा कि अफरा के दो बेटे उसको तलवारों का निशाना बना चुके हैं और उसका जिस्म ठंडा हो रहा है। हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसकी दाढ़ी पकड़कर कहा, तू अबू जहल है? अबू जहल ने कहा, क्या इससे बड़े किसी शख्स को भी तुमने कत्ल किया है? या कहा, उसकी कौम ने कत्ल किया है? सुलेमान तैमी ने कहा, अबू मिजलिस ने कहा, अबू जहल ने यह भी कहा था, काश मुझे किसानों के अलावा किसी और ने कत्ल किया होता। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 4662। हमें मुअतमर ने कहा, मैंने अपने वालिद सुलेमान तैमी से सुना, वो कह रहे थे, हमें हजरत अनस रजी अल्लाह तआला ने हदीस बयान की। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे लिए कौन मालूम करेगा कि अबू जहल का क्या हुआ? आगे इब्ने उलैया की हदीस और अबू मिजलिस के कौल के मानिंद है, जिस तरह इस्माइल ने बयान किया है। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 4663। हमें सुफियान ने अमर से हदीस बयान की। कहा, मैंने हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु से सुना, वो कह रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा बिन अशरफ की जिम्मेदारी कौन लेगा? उसने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत दी है। मुहम्मद बिन मसलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल, क्या आप चाहते हैं कि मैं उसे कत्ल कर दूं? आपने फरमाया, हाँ। उन्होंने अर्ज की, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं ये काम करते हुए कोई बात कह लूं। आपने फरमाया, कह लेना। चुनाचे वो उसके पास आए, बात की और बाहमी ताल्लुकात का तज़किरा किया और कहा, ये आदमी सदका लेना चाहता है और हमें तकलीफ में डाल दिया है। जब उसने ये सुना तो कहने लगा, अल्लाह की कसम तुम और भी उकताओगे। उन्होंने कहा, अब तो हम उसके पैरोकार बन चुके हैं और अभी उसे छोड़ना नहीं चाहते, यहां तक कि देख लें कि उसके मामले का अंजाम क्या होता है। कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे कुछ उधार दो। उसने कहा, तुम मेरे पास गिरवी में क्या रखोगे? उन्होंने जवाब दिया, तुम क्या चाहते हो? उसने कहा, अपनी औरतों को मेरे पास गिरवी रख दो। उन्होंने कहा, तुम अरब के सबसे खूबसूरत इंसान हो, क्या हम अपनी औरतें तुम्हारे पास गिरवी रखें? उसने उनसे कहा, तुम अपने बच्चे मेरे यहां गिरवी रख दो। उन्होंने कहा, हम में से किसी के बेटे को गाली दी जाएगी तो कहा जाएगा, वो खजूर के दो वसक के इवज गिरवी रखा गया था, अलबत्ता हम तुम्हारे पास जीरा यानी हथियार गिरवी रख देते हैं। उसने कहा, ठीक है। उन्होंने उसे वादा किया कि वो हारिस अबू आब्स बिन जबर और अब्बाद बिन बिशर रजी अल्लाह अन्हुम को लेकर उसके पास आएंगे। कहा, वो आए और रात के वक्त उसे आवाज दी तो वो उतर कर उनके पास आया। सुफियान ने कहा, आमर के अलावा दूसरे रावी ने कहा, उसकी बीवी उसे कहने लगी, मैं ऐसी आवाज सुन रही हूँ जैसे वो खून के तलबगार की आवाज हो। उसने कहा, ये तो मुहम्मद बिन मसलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु और उसका दो शरीक भाई और अबू नाइला रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं, और करीम इंसान को रात के वक्त भी किसी जख्म के मुताबिक की खातिर बुलाया जाए तो वो आता है। मुहम्मद बिन मसलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने साथियों से कहा, मैं जब वो आएगा अपना हाथ उसके सर की तरफ बढ़ाऊंगा, जब मैं उसे खूब अच्छी तरह जकड़ लूं तो वो तुम्हारे बस में होगा, तुम अपना काम कर गुजरना। कहा, जब वो नीचे उतरा
तो इस तरह उतरा कि उसने पेटी यानी चादर बाएं कंधे पर डालकर उसका सर दाएं बगल के नीचे से निकालकर सीने पर दोनों सिरों से बांधी हुई थी। उन्होंने कहा, हमें आपसे इत्र की खुशबू आ रही है। उसने कहा, हाँ मेरे निकाह में फुला औरत है, वो अरब की सब औरतों से ज्यादा मुअत्तर रहने वाली है। उन्होंने कहा, क्या तुम मुझे इजाजत देते हो कि मैं इस खुशबू को सूंघ लूं? उसने कहा, हाँ सूंघ लो। तो उन्होंने सर को पकड़कर सूंघा, फिर कहा, क्या तुम मुझे इजाजत देते हो कि मैं इसे दोबारा सूंघ लूं? कहा, तो उन्होंने उसके सर को काबू कर लिया, फिर कहा, तुम्हारे बस में है। कहा, तो उन्होंने उसे कत्ल कर दिया। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 4664। अब्दुल अजीज बिन सुहैब ने हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की जंग लड़ी, हमने वहां सुबह की नमाज अंधेरे में पढ़ी, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए और अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु भी सवार हुए और मैं सवारी पर अबू तलहा रजी अल्लाह अन्हु के पीछे था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के तंग रास्ते में अपनी सवारी को दौड़ाया, मेरा घुटना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान को छू रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान से कपड़ा हट गया और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान की सफेदी देख रहा था। जब आप बस्ती में दाखिल हुए तो फरमाया, अल्लाह अकबर, खैबर तबाह हुआ। हम जब किसी कौम के घरों के सामने उतरते हैं तो उन लोगों की सुबह बुरी होती है जिन्हें आने से पहले डराया गया था। आपने तीन बार यही फरमाया। कहा, लोग अपने कामों के लिए निकल चुके थे तो उन्होंने कहा, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब्दुल अजीज ने कहा, हमारे बाद साथियों ने कहा, और लश्कर है। कहा, हमने उसे बजोरे शमशीर हासिल किया। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 4665। साबित ने हजरत अनस रजी अल्लाह तआला से हदीस बयान की। उन्होंने कहा, खैबर के दिन मैं सवारी पर हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला के पीछे था और मेरा पांव रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव को छू रहा था। कहा, हम उस वक्त उनके पास पहुंचे जब सूरज चमक रहा था। वो लोग अपने मवेशी निकाल चुके थे और कुल्हाड़ियां टोकरियां और बेलचे लेकर खुद भी निकल चुके थे। तो उन्होंने कहा, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और लश्कर है। कहा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैबर उजड़ गया। जब हम किसी कौम के घरों के सामने उतरते हैं तो उन लोगों की सुबह बुरी होती है जिन्हें डराया जा चुका था। कहा, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उन्हें शिकस्त दी। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 4666। कतादा ने हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की। उन्होंने कहा, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर आए तो आपने फरमाया, जब हम किसी कौम के घरों के आगे उतरते हैं तो डराए गए लोगों की सुबह बुरी होती है। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 4667। कुतैबा बिन सईद और मोहम्मद बिन अब्बात ने अल्फाज इब्ने अब्बात के हैं, हमें हदीस बयान की। उन दोनों ने कहा, हमें हातिम बिन इस्माइल ने सलामा बिन अकवा रजी अल्लाह तआला के आजाद करदा गुलाम यजीद बिन अबी उबैद से हदीस बयान की। उन्होंने हजरत सलामा बिन अकवा रजी अल्लाह तआला से रिवायत की। कहा, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खैबर की तरह रवाना हुए तो हमने रात के वक्त सफर किया। लोगों में से एक आदमी ने आमिर बिन अकवा रजी अल्लाह तआला से कहा, क्या तुम हमें अपने नातिर जंगी अशआर नहीं सुनाओगे? और आमिर रजी अल्लाह तआला अन्हु शायर आदमी थे। वो उतरकर लोगों के ऊंटों के लिए उदी खानी करने लगे। वो कह रहे थे, ऐ अल्लाह, अगर तू फजल व करम करने वाला ना होता तो हम हिदायत ना पाते, ना सदका करते, ना नमाज पढ़ते। हम तेरे नाम पर कुर्बान, हमने जो गुनाह किए उनको बख्श दे, और अगर हमारा मुकाबला हो तो हमारे कदम जमा दे, और हम पर जरूर भी जरूर सकीनत और वकार नाजिल फरमा। हमें जब भी आवाज देकर बुलाया गया हम आए। हमें आवाज देकर उन यानी आवाज देने वाले लोगों ने हम पर एतमाद किया और हम उस पर पूरे उतरे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये हुदी खानी करके ऊंटों को हांकने वाला कौन है? लोगों ने कहा, आमिर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से उसकी मोहब्बत और शौक को देखते हुए फरमाया,
अल्लाह उस पर रहम करे। लोगों में से एक आदमी यानी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, उसके लिए शहादत वाजिब हो गई। ऐ अल्लाह के रसूल, आपने उसके हक में दुआ मौखर फरमाकर हमें उसकी सोहबत से ज्यादा मुद्दत फायदा क्यों नहीं उठाने दिया? सलमा बिन अकवा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, हम खैबर पहुंचे तो हमने उनका मुहासिरा कर लिया, यहां तक कि हमें शदीद भूख के मखमसे ने आ लिया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह ने उसे इन जिहाद करने वाले लोगों के लिए फतह कर दिया है। जब लोगों ने उस दिन की शाम की जब उन्हें फतह अता की गई थी तो उन्होंने बहुत सी जगहों पर आग जलाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये आग कैसी है और ये लोग किस चीज को पकाने के लिए इसे जला रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, गोश्त को पकाने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कौन सा गोश्त? उन्होंने जवाब दिया, पालतू गधों का गोश्त। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे पानी समेत बहा दो और उन बर्तनों को तोड़ दो। उस पर एक आदमी ने कहा, या उसे बहा दें और बर्तन धो लें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या ऐसे कर लो। कहा, जब लोगों ने मिलकर सबबंदी की तो आमिर रजी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार छोटी थी। उन्होंने मारने के लिए उस तलवार से एक यहूदी की पिंडली को निशाना बनाया तो तलवार की धार लौट कर आमिर रजी अल्लाह तआला अन्हु के घुटने पर आ लगी और वो उसी जख्म से फौत हो गए। जब लोग वापस हुए, सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, और उस वक्त उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, कहा, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे खामोश देखा तो आपने पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? मैंने आपसे अर्ज की, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, लोगों का ख्याल है कि आमिर रजी अल्लाह तआला अन्हु का अमल जाया हो गया है। आपने फरमाया, किसने कहा है? मैंने कहा, फुला फुला और उसैद बिन हुजैर अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। तो आपने फरमाया, जिसने भी ये कहा गलत कहा है, उसके लिए तो यकीनन दो अजर हैं। आपने अपनी दोनों उंगलियों को इकट्ठा फरमाया, वो तो खुद जमकर जिहाद करने वाले मुजाहिद थे, कम ही कोई अरबी होगा जो इस रास्ते पर उनकी तरह चला होगा। उतैबा ने हदीस के दो हरफों अलकियन के आखिरी दो हरफों या और नून में मोहम्मद बिन अब्बाद की मुखालिफत की है और मोहम्मद बिन अब्बाद की रिवायत में अलकियन के बजाय अलकी यानी जरूर भी जरूर की ताकीद के बगैर महज नाजिल करके अल्फाज हैं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4668। अबू ताहिर ने मुझे हदीस बयान की, कहा, हमें इब्ने वहब ने खबर दी, कहा, मुझे यूनुस ने इब्ने शिहाब से खबर दी, कहा, मुझे अब्दुल रहमान ने खबर दी। इब्ने वहब के अलावा दूसरे रावी ने उनका नसब बयान किया तो अब्दुल रहमान बिन अब्दुल्ला बिन काब बिन मालिक कहा कि हजरत सलमा बिन अकवा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, जब खैबर का दिन था, मेरे भाई ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायियत में खूब जंग लड़ी, उसी इस्नाम में उनकी तलवार पलटकर उन्हीं को जा लगी और उन्हें शहीद कर दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने इस हवाले से कुछ बातें की और इस मामले में शक का इजहार किया कि आदमी अपने ही असले से फौत हुआ है। उन्होंने उनके मामले के बाद पहलुओं में शक किया। सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर से वापस हुए तो मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपके आगे रिज़िया अशार पढ़ूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाजत दे दी। उस पर हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मैं जानता हूं जो तुम कहने जा रहे हो। कहा, तो मैंने ये रिज़िया अशार पढ़े, अल्लाह की कसम, अगर अल्लाह का करम ना होता तो हम हिदायत न पाते, न सदका करते और न नमाज पढ़ते। उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने सच कहा, हम पर बहुत सकीनत नाजिल फरमा और अगर हमारा मुकाबला हो तो हमारे कदम मजबूत कर दे। मुशरिकों ने यकीनन हम पर सख्त ज्यादती की। कहा, जब मैंने अपनी रिज़िया अशार खत्म किए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये अशार किसने कहे? मैंने जवाब दिया, मेरे भाई ने कहे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उन पर रहम करे। कहा, तो मैंने कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल, कुछ लोग उसके लिए दुआ करते हुए डर रहे थे, वो कह रहे थे, वो आदमी अपने ही असले से फौत हुआ है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तो जिहाद करते हुए मुजाहिद के तौर पर फौत हुआ है। इब्न शिहाब ने कहा, फिर मैंने सलमा बिन अकवा रजी अल्लाह तआला अन्हु के एक बेटे से सवाल किया तो उन्होंने मुझे अपने वालिद से
इसी के मानिंद हदीस बयान की, मगर उन्होंने यानी हजरत सल्लमा रजी अल्लाह तआला के अल्फाज दोहराते हुए कहा, जब मैंने कहा कुछ लोग उसके लिए दुआ करने से डरते हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन लोगों ने गलत कहा, वो तो जिहाद करते हुए मुजाहिद के तौर पर फौत हुए, उनके लिए दोहरा अजर है। और आपने अपनी दो उंगलियों से इशारा फरमाया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4669। मोहम्मद बिन जाफर ने हमें हदीस बयान की, कहा हमें शुअबा ने अबू इसहाक से हदीस बयान की, उन्होंने कहा मैंने हजरत बरा रजी अल्लाह तआला से सुना, उन्होंने कहा अहज़ाब के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ मिट्टी उठाकर फेंक रहे थे, उस मिट्टी ने बदन मुबारक की सफेदी को छुपा लिया था, और आप फरमा रहे थे अल्लाह की कसम अगर तेरा करम न होता तो हम हिदायत न पाते, न सदका करते, न नमाज पढ़ते, हम पर जरूर भी जरूर सकीनत नाजिल फरमा, इन लोगों ने हम पर जुल्म किया है। कहा बसा औकात आप फरमाते इन सरदारों ने हम पर अपना जुल्म रोकने से इनकार कर दिया, जब वो फितने का इरादा करते हैं हम उसमें पढ़ने से इनकार कर देते हैं, आप इन अल्फाज पर अपनी आवाज को बुलंद फरमा लेते। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4670। अब्दुर्रहमान बिन महदी ने हमें हदीस बयान की, कहा हमें शुअबा ने अबू इसहाक से हदीस बयान की, उन्होंने कहा मैंने हजरत बरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से सुना, उन्होंने इसी के मानिंद बयान किया, अलबत्ता इस रिवायत के मुताबिक उन्होंने कहा बिलाशुबा उन लोगों ने हम पर ज्यादती की है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4671। हजरत सहल बिन साद रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए जबकि हम खंदक खोद रहे थे और अपने कंधों पर मिट्टी उठाकर फेंक रहे थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ अल्लाह जिंदगी तो सिर्फ आखिरत की जिंदगी है, इसलिए मुहाजरीन और अंसार की मगफिरत फरमा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4672। मुआविया बिन कुर्रा ने हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की कि आपने फरमाया ऐ अल्लाह आखिरत की जिंदगी के सिवा कोई जिंदगी नहीं, तू अंसार और मुहाजरीन को मुआफ फरमा दे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4673। शुअबा ने हमें कतादा से हदीस बयान की, कहा हमें हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हदीस बयान की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे ऐ अल्लाह बेशक जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। शुअबा ने कहा या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया ऐ अल्लाह आखिरत की जिंदगी के सिवा कोई जिंदगी हकीकी नहीं, तू अंसार और मुहाजरीन को इज्जत अता फरमा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4674। यहया बिन यहया और शैबान बिन फरूख ने हमें हदीस बयान की, यहया ने कहा हमें अब्दुल वारिस ने अबू तैयाह से हदीस बयान की, कहा हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हमें हदीस बयान की, उन्होंने कहा सहाबा रिज़िया अशार पढ़ते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका साथ देते थे, वो कहते थे ऐ अल्लाह भलाई तो सिर्फ आखिरत की भलाई है, तू अंसार और मुहाजरीन की मदद फरमा। शैबान की हदीस में मदद फरमा की जगह मगफिरत फरमा है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4675। हम्माद बिन सलामा ने हमें हदीस बयान की, कहा हमें साबित ने हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से हदीस बयान की कि खंदक के दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कह रहे थे हम वो लोग हैं जिन्होंने इस्लाम पर जिंदगी भर के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की या कहा जिहाद पर। हम्माद को शक हुआ है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे ऐ अल्लाह असल भलाई आखिरत की भलाई है, तू अंसार और मुहाजरीन की मगफिरत फरमा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4676। सलमा बिन अकवा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, मैं सुबह की अजान से पहले निकला और आपकी दो हेली ऊंटनियां जी कर्द में चरती थीं। जी कर्द एक पानी का नाम है मदीने से एक दिन के फासले पर। बुखारी ने कहा कि यह लड़ाई खैबर की जंग से तीन दिन पहले हुई और बाजू ने कहा कि 6 हिजरी में
उदयबिया से पहले मुझे अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला का गुलाम मिला। उसने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो हेली ऊंटियां जाती रहीं। मैंने पूछा, किसने ली? उसने कहा, गतफान ने, जो एक शाख है कैस कबीले की। यह सुनकर मैं तीन बार चिल्लाया, या सबाहा, यानी अरब की आदत है कि यह कलिमा उस वक्त कहते हैं जब कोई बड़ी आफत आती है और लोगों को खबरदार करने की जरूरत होती है, और मदीने के दोनों जाने वालों को सुना दिया। फिर मैं सीधा चला, यहां तक कि मैंने उन लुटेरों को ज़िक़रत में पाया। उन्होंने पानी पीना शुरू किया था कि मैंने तीर मारना शुरू किए और मैं तीर अंदाज था और कहता जाता था, अना इब्नुल अक्वा वल यौमु यौमुर रुज़ा। मैं रिस पड़ता रहा यहां तक कि ऊंटियां उनसे छुड़ा ली, बल्कि और 30 चादरें उनकी छीनी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लोग भी आ गए। मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लुटेरों को मैंने पानी नहीं पीने दिया, वो प्यासे हैं, अब उन पर लश्कर को भेजिए। आपने फरमाया, ऐ अकवा के बेटे, तू अपनी चीजें ले चुका, अब जाने दे। सलमा ने कहा, फिर हम लौटे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंटनी पर अपने साथ मुझको बिठलाया, यहां तक के हम मदीना में पहुंचे। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 4677। सैयदना इब्ने अकवा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, जब हम हुदैबिया में पहुंचे सो हम 1400 आदमी थे। यही मशहूर रिवायत है, और एक रिवायत में 1300 और एक रिवायत में 1500 आए हैं। और वहां 50 बकरियां थीं, जिनको कुएं का पानी सैर न कर सकता था, यानी ऐसा कम पानी था कुएं में। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुएं की मेंढ पर बैठे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की या थूका कुएं में, वो उस वक्त उबल आया। फिर हमने जानवरों को पानी पिलाया और खुद भी पिया। बाद उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बुलाया बैत के लिए दरख्त की जड़ में। उसी दरख्त को शजरा रिजवान कहते हैं, और उस दरख्त का जिक्र कुरान शरीफ में है, इन्नल्लज़ीना युबायउनका इन्नमा युबायउनल्लाह यदुल्लाह فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما। मैंने सबसे पहले लोगों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत लेते रहे यहां तक कि आधे आदमी बैत कर चुके। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सलमा, बैत कर। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं तो आपसे अव्वली बैत कर चुका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर सही। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे निहत्ता यानी बेहथियार देखा तो एक बड़ी सी ढाल या छोटी सी ढाल दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत लेने लगे यहां तक कि लोग खत्म होने लगे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सलमा, मुझसे बैत नहीं करता। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं तो आपकी बैत कर चुका अव्वल लोगों में, फिर बीच के लोगों में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर सही। गरज मैंने तीसरी बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सलमा, तेरी वो बड़ी ढाल या छोटी ढाल कहाँ है जो मैंने तुझे दी थी? मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरा चचा आमिर मुझे मिला, वो निहत्ता था, मैंने वो फिर उसको दे दी। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी मिसाल उस अगले शख्स से हुई जिसने दुआ की थी कि या अल्लाह, मुझे ऐसा दोस्त दे जिसको मैं अपनी जान से ज्यादा चाहूं। फिर मुशरिकों ने सुलह के प्याम भेजे, यहां तक कि हर एक तरफ के आदमी दूसरी तरफ जाने लगे, और हमने सुलह कर ली। सलमा ने कहा, मैं तलहा बिन उबैदुल्लाह की खिदमत में था, उनके घोड़े को पानी पिलाता, उनकी पीठ खुजाता, उनकी खिदमत करता, उन्हीं के साथ खाना खाता, और मैंने अपना घर बार धन दौलत सब कुछ छोड़ दिया था, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हिजरत की। जब हमारी और मक्के वालों की सुलह हो गई और हम में हर एक दूसरे से मिलने लगा, तो मैं एक दरख्त के पास आया और उसके तले से कांटे झाड़े और जड़ के पास लेटा। इतने में चार आदमी मुशरिकों में से आए, मक्के वालों में से, और लगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा कहने। मुझे गुस्सा आया, मैं दूसरे दरख्त के नीचे चला गया। उन्होंने अपने हथियार लटकाए और लेट रहे। वो उसी हाल में थे कि याकायक वादी के नशेब से किसी ने आवाज दी, दौड़ो ए मुहाजिरीन, इब्ने जुनैम सहाबी मारे गए। ये सुनते ही मैंने अपनी तलवार सौंपती और उन चारों आदमियों पर हमला किया। वो सो रहे थे,
उनके हथियार मैंने ले लिए और गट्ठा बनाकर एक हाथ में रखे। फिर मैंने कहा, कसम उसकी जिसने इज्जती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक को, तुम में से जिसने सर उठाया मैं एक मार दूंगा उस पर जिसमें उसकी दोनों आंखें हैं। फिर मैं उनको खींचता हुआ लाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और मेरा चाचा आमिर अबलाद एक शाख है कुरैश की, में से एक शख्स को लाया जिसको मिक्रस कहते थे। वो उसको खींचता हुआ लाया घोड़े पर जिस पर झोल पड़ी थी, और 70 आदमियों के साथ मुशरिकों में से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा, फिर फरमाया, छोड़ दो इनको, मुशरिकों की तरफ से अहशिकनी शुरू होने दो, फिर दोबारा भी उन्हीं की तरफ से होने दो, यानी हम अगर उन लोगों को मारें तो सुलह के बाद हमारी तरफ से अहशिकनी होगी, ये मुनासिब नहीं। पहले काफिरों की तरफ से अहशिकनी हो, एक बार नहीं दो बार, तब हमको बदला लेना बुरा नहीं। आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को मुआफ कर दिया। तब अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी, وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَصْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ آخر تک، یعنی اس اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روکا تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو روکا ان سے مکے کی سرحد میں جب فتح دے چکا تھا تم کو ان پر۔ پھر ہم لوٹے مدینے کو، راہ میں ایک منزل پر اترے جہاں ہمارے اور بنی لحیان کے مشرکوں کے بیچ میں ایک پہاڑ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی उस शख्स के लिए जो उस पहाड़ पर चढ़ जाए रात को और पहरा दे आपका और आपके अस्हाब का। सलमा ने कहा, मैं रात को उस पहाड़ पर 2 या 3 बार चढ़ा और पहरा देता रहा। फिर हम मदीने में पहुंचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊंटनियां अपने रबा गुलाम को दी और मैं भी उसके साथ था। तलहा का घोड़ा लिए हुए चरागाह में पहुंचाने के लिए उन ऊंटनियों के साथ जब सुबह हुई तो अब्दुर्रहमान फजारी मुशरिक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनियों को लूट लिया और सबको हांक ले गया और चरवाहे को मार डाला। मैंने कहा, ऐ रबा, तू ये घोड़ा ले और तलहा के पास पहुंचा दे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर कर कि काफिरों ने आपकी ऊंटनियां लूट ली। फिर मैं एक टीले पर खड़ा हुआ और मदीने की तरफ मुंह करके मैंने 3 बार आवाज दी, या सबाहा। बाद इसके मैं उन लुटेरों के पीछे रवाना हुआ, तीर मारता हुआ और रिज पढ़ता हुआ, अना इब्नुल अक्वा वल यौम यौमुर रुजा, यानी मैं अक्वा का बेटा हूँ और आज कमीनों की तबाही का दिन है। फिर मैं किसी के करीब होता और एक तीर उसकी काठी पर मारता जो उसके कांधे तक पहुंच जाता, यानी काठी को चीर कर, और कहता, ये ले, और मैं अक्वा का बेटा हूँ और आज कमीनों की तबाही का दिन है। फिर कसम अल्लाह की, मैं बराबर तीर मारता रहा और जख्मी करता रहा। जब उनमें से कोई सवार मेरी तरफ लौटता तो मैं दरख्त के तले आकर उसकी जड़ में बैठ जाता और एक तीर मारता, वो सवार जख्मी हो जाता, यहां तक कि वो पहाड़ के तंग रास्ते में घुसे और मैं पहाड़ पर चढ़ गया और वहां से पत्थर मारना शुरू किए और बराबर उनका पीछा करता रहा, यहां तक कि कोई ऊंट जिसको अल्लाह ताला ने पैदा किया था और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी का था न बचा जो मेरे पीछे न रह गया, और लुटेरों ने उसको ना छोड़ दिया हो तो सब ऊंट सैयदना सलमा बिन अकवा रजी अल्लाह तआला ने उनसे छीन लिए। सलमा ने कहा, फिर मैं उनके पीछे चला तीर मारता हुआ, यहाँ तक कि 30 चादरों में से ज्यादा और 30 भालों से ज्यादा उनसे छीनी। वो अपने तई हल्का करते थे भागने के लिए, और जो चीज वो फेंकते मैं उस पर एक निशान रख देता पत्थर का, ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्हाब इसको पहचान लें कि ये गनीमत का माल है और उसको ले लें। यहां तक कि वो एक तंग घाटी में आए और वहां उनको बदर फजाली का बेटा मिला। वो सब बैठे सुबह का नाश्ता करने लगे और मैं एक छोटी टेकरी की चोटी पर बैठा। फजारी ने कहा, ये कौन शख्स है? वो बोले, उस शख्स ने हमको तंग कर दिया, कसम अल्लाह की अंधेरी रात से हमारे साथ है, बराबर तीर मारे जाता है, यहां तक कि जो कुछ हमारे पास था सब छीन लिया। फजारी ने कहा, तुम में से 4 आदमी उसको जाकर मार लें। ये सुनकर 4 आदमी मेरी तरफ चढ़े पहाड़ पर। जब वो इतने दूर आ गए कि मेरी बात सुन सके तो मैंने कहा, तुम मुझे जानते हो? उन्होंने कहा, नहीं। मैंने कहा, मैं सलमा हूँ, अकवा का बेटा। अकवा उनके दादा थे, लेकिन दादा की तरफ अपने को मंसूब किया बवजह शोहरत के, और सलमा के बाप का नाम अमर था और आमिर उनके चचा थे क्योंकि वो अकवा के बेटे थे। कसम उस जात की जिसने बुजुर्गी थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक को, मैं तुम में से जिसको चाहूंगा मार डालूंगा तीर से,
और तुम में से कोई मुझे नहीं मार सकता। उनमें से एक शख्स बोला, ये ऐसा ही मालूम होता है। फिर वो सब लौटे। मैं वहां से नहीं चला था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवार नजर आए जो दरख्तों में घुस रहे थे। सबसे आगे अखरम असदी थे, उनके पीछे अबू कतादा, उनके पीछे मिकदाद बिन अस्वद कित्ती। मैंने अखरम के घोड़े की बाग थाम ली, ये देखकर वो लुटेरे भागे। मैंने कहा, ऐ अखरम, तुम उनसे बचे रहना, ऐसा न हो ये तुमको मार डालें। जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब न आ लें। उन्होंने कहा, ऐ सलमा, अगर तुझको यकीन है अल्लाह का और आखिरत के दिन का, और तू जानता है कि जन्नत सच है और जहन्नम सच है, तो मत रोक मुझको शहादत से। यानी बहुत होगा तो यही कि मैं उन लोगों के हाथों शहीद हो जाऊंगा, उससे बेहतर क्या है। मैंने उनको छोड़ दिया। उनका मुकाबला हुआ अब्दुर्रहमान फजारी से। अखरम ने उसके घोड़े को जख्मी किया और अब्दुर्रहमान ने बर्शी से अखरम को शहीद किया और अखरम के घोड़े पर चढ़ बैठा। उतने में सैयदना अबू कतादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहसवार आन पहुंचे और उन्होंने अब्दुर्रहमान को बर्शी मारकर कत्ल किया। तो कसम उसकी जिसने बुजुर्गी दी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक को, मैं उनका पीछा किए गया। मैं अपने पांव से ऐसा दौड़ रहा था कि मुझे अपने पीछे आपका कोई सहाबी न दिखलाई दिया, न उनका गुबार, यहां तक कि वो लुटेरे आफ्ताब डूबने से पहले एक घाटी में पहुंचे जहां पानी था और उसका नाम ज़िक़रत था। वो उतरे, पानी पीने को प्यासे थे, फिर मुझे देखा। मैं उनके पीछे दौड़ता चला आता था। आखिर मैंने उनको पानी पर से हटा दिया, वो एक कतरा भी न पी सके। अब वो दौड़ते चले किसी घाटी की तरफ। मैं भी दौड़ा और उनमें से किसी को पाकर एक तीर लगा दिया उसके शाने की हड्डी में और मैंने कहा, ले इसको, और मैं बेटा हूं अकवा का और ये दिन कमीनों की तबाही का है। वो बोला, अल्लाह करे अकवा का बेटा मरे। और उसकी माँ उस पर रोए, क्या वही अकवा है जो सुबह को मेरे साथ था? मैंने कहा, हाँ ऐ दुश्मन अपनी जान के, वही अकवा है जो सुबह को तेरे साथ था। सलम बिन अकवा ने कहा, उन लुटेरों के दो घोड़े सख्त हो गए, यानी दौड़ते दौड़ते उन्होंने उनको छोड़ दिया एक घाटी में। मैं उन घोड़ों को खींचता हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया। वहां मुझको आमिर मिले, एक छागल दूध की पानी मिला हुआ और एक छागल पानी के लिए हुए। मैंने वुजू किया और दूध पिया। अल्लाह अकबर। सलम बिन अकवा की हिम्मत सुबह सवेरे से दौड़ते दौड़ते रात हो गई। घोड़े थक गए, ऊंट थक गए, लोग मर गए, असबाब रह गया, पर सलमान न थके और दिन भर में कुछ खाया न पिया। अल्लाह जल्ला जलालुहु की इमदाद थी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पानी पर थे जहां से मैंने लुटेरों को भगाया था। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब ऊंट ले लिए हैं और सब चीजें जो मैंने मुशरिकों से छीनी थी, सब बर्छी और चादरें, और सैयदना बिलाल रजी अल्लाह तआला ने उन ऊंटों में से जो मैंने छीनी थी एक ऊंट नहर किया और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उसकी कलेजी और कोहान भून रहे हैं। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, दीजिए मुझको इजाजत लश्कर में से 100 आदमी चुन लेने की, फिर मैं लुटेरों का पीछा करता हूँ और उनमें से कोई शख्स बाकी नहीं रहे जो खबर दे अपनी कौम को जाकर, यानी सबको मार डालता हूँ। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसे, यहां तक कि दाढ़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुल गई अंगार की रोशनी में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सलमा, तू ये कर सकता है? मैंने कहा, हाँ कसम उसकी जिसने आपको बुजुर्गी दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तो अब गतफान की सरहद में पहुंच गए, वहां उनकी मेहमानी हो रही है। उतने में एक शख्स आया गतफान में से। वो बोला, फुला शख्स ने उनके लिए एक ऊंट काटा था, वो उसकी खाल निकाल रहे थे। उतने में उनको गर्द मालूम हुई, वो कहने लगे, लोग आ गए, तो वहां से भी भाग खड़े हुए। जब सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज के दिन हमारे सवारों में बेहतर सवार अबू कतादा हैं और प्यादों में से सबसे बढ़कर सलमा बिन अकवा हैं। सलमा ने कहा, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको दो हिस्से दिए, एक हिस्सा सवार का और एक हिस्सा प्यादे का, और दोनों मुझे को दे दिए। बाद उसके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने साथ बिठाया अजबा पर। मदीने को लौटते वक्त हम चल रहे थे कि एक अंसारी जो दौड़ने में किसी से पीछे नहीं रहता था कहने लगा, कोई है जो मदीने को मुझसे आगे दौड़ जाए? और बार बार यही कहता था। जब मैंने उसको कहना सुना तो उसे कहा, तू बुजुर्ग की बुजुर्गी नहीं करता,
और बुजुर्ग से नहीं डरता? वो बोला, नहीं, अलबत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुजुर्गी करता हूँ। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हों, मुझे छोड़ दीजिए, मैं इस मर्ज से आगे बढ़ूंगा दौड़ में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा, अगर तेरा जी चाहे। तब मैंने कहा, मैं आता हूँ तेरी तरफ, और मैंने अपना पांव टेढ़ा किया, फिर मैं दौड़ा, और जब एक या दो चढ़ाव बाकी रहे तो दम को संभाला, फिर जो दौड़ा तो उससे मिल गया, यहां तक कि एक घूंसा दिया मैंने उसके दोनों मुंडों के बीच में, और मैंने कहा, कसम अल्लाह की, अब मैं आगे बढ़ा। फिर उसे आगे पहुंचा मदीने को, तो मालूम हुआ कि मुसाबकत दुरुस्त है, बिलाइवस और बैवस में खिलाफ है। फिर कसम अल्लाह की, हम सिर्फ 3 रात ठहरे, बाद उसके खैबर की तरफ निकले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तो मेरे चचा आमिर ने रिज्स पढ़ना शुरू किया। कसम अल्लाह की, अगर अल्लाह हिदायत न करता तो हम राह न पाते, और न सदका देते, न नमाज पढ़ते, और हम तेरे फजल से बेपरवाह नहीं हुए। तू जमा रख हमारे पांव को अगर काफिरों से मिले, और अपनी रहमत और तसल्ली उतार हमारे ऊपर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कौन है? लोगों ने कहा, आमिर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह बख्शे तुझको। सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के लिए खास तौर पर इस्तिग़फ़ार करते तो वो जरूर शहीद होता। तो सैयदना उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पुकारा, और वो अपने ऊंट पर थे, या नबी अल्लाह, आपने हमको फायदा क्यों ना उठाने दिया आमिर से? सैयदना सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, फिर जब हम खैबर में आए तो उसका बादशाह मरहब तलवार हिलाता हुआ निकला, और ये रिस पड़ता था, यानी खैबर को मालूम है कि मैं मरहब हूँ, पूरा हथियार बंद, बहादुर, आजमूताकार, जब लड़ाइयां आए शोले उड़ाती हुई। ये सुनकर मेरे चचा आमिर निकले उसके मुकाबले के लिए, और उन्होंने ये रिट्स पढ़ा, यानी खैबर जानता है कि मैं आमिर हूँ, पूरा हथियार बंद लड़ाई में घुसने वाला। फिर दोनों का एक एक वार हुआ तो मरहब की तलवार मेरे चचा आमिर की ढाल पर पड़ी, और आमिर ने नीचे से वार करना चाहा तो उनकी तलवार उन्हीं को आ लगी, और शहरक कट गई, उसी से मर गए। सैयदना सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, फिर मैं निकला तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजा साहब को देखा, वो कह रहे हैं, आमिर का अमल लग्व हो गया, उसने अपने तैयार पार डाला। ये सुनकर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया रोता हुआ। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आमिर का अमल लग्व हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन कहता है? मैंने कहा, आपके असहाब कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ कहा जिसने कहा, बल्कि उसको दोहरा सवाब है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको सैयदना अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास भेजा, उनकी आंखें दुख रही थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ऐसे शख्स को निशान दूंगा जो दोस्त रखता है अल्लाह और उसके रसूल को, या अल्लाह और उसके रसूल उसको दोस्त रखते हैं। इब्न हिशाम की रिवायत में इतना ज्यादा है कि अल्लाह फतह देगा उसके हाथों पर और वो भागने वाला नहीं। सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, फिर मैं सैयदना अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास गया, और उनको लिया खींचता हुआ उनकी आंखें दुख रही थीं, यहां तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आंखों में अपना लुआबे दहन डाल दिया, वो उसी वक्त अच्छे हो गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको निशान दिया और मरहब निकला, और कहने लगा, यानी खैबर को मालूम है कि मैं मरहब हूँ, पूरा हथियार बंद, बहादुर, आजमूदाकार, जब लड़ाई आई शोले उड़ाती हुई। सैयदना अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला ने उसके जवाब में कहा, यानी मैं वो हूँ कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा, मिसल उस शेर के जो जंगलों में होता है, यानी शेर बबर, निहायत डरावनी सूरत कि उसके देखने से खौफ पैदा हो। मैं लोगों को एक साह के बदले सुंदरा देता हूँ, सुंदरा साह से बड़ा पैमाना है, यानी वो तो मेरे ऊपर एक खफीफ हमला करते हैं और मैं उनका काम ही तमाम कर देता हूँ। फिर सैयदना अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला ने मरहब के सर पर एक जरब लगाई, और वो उसी वक्त जहन्नम को रवाना हुआ। बाद उसके अल्लाह ताला ने फतह दी उनके हाथों पर। एक और सनद के साथ सैयदना इकरिमा बिन अम्मार रजी अल्लाह तआला ने ये हदीस इस हदीस से भी ज्यादा तफसील से नकल की है, और दूसरी में इसी तरह है। सही मुस्लिम
हदीस नंबर 4678। सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला से रिवायत है, 80 आदमी मक्के वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतरे तनईम के पहाड़ से। वो चाहते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा दें और गफलत में हमला करें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पकड़ लिया और कैद किया। बाद उसके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ दिया। तब अल्लाह ताला ने इस आयत को उतारा, वहुवल्लज़ी कफ़ अयदीहुम अन्कुम, यानी अल्लाह वो है जिसने रोका उनके हाथों को तुमसे और उनका फरेब कुछ न चला, और तुम्हारे हाथों को उनसे तुमने उनको कत्ल न किया मक्के की सरहद में तुम्हारे फतह हो जाने के बाद उन पर। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4679। साबित ने हजरत अनस रजी अल्लाह तआला से रिवायत की कि हुनैन के दिन हजरत उम्मे सुलेम रजी अल्लाह तआला ने एक खंजर अपने पास रख लिया, वो उनके साथ था। हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला ने उसे देख लिया तो उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, ये उम्मे सुलेम रजी अल्लाह तआला है, उनके पास एक खंजर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, यह खंजर कैसा है? उन्होंने कहा, मैंने ये इसलिए लिया है कि अगर मुशरिकों में से कोई मेरे करीब आया तो मैं उससे उसका पेट चाक कर दूंगी। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसने लगे। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, हमारे बाद दायरे इस्लाम में शामिल होने वाले जिन्हें फतह मक्का के दिन मुआफी दी गई थी, हुनैन के दिन आपको छोड़कर भाग गए, उन्हें कत्ल करवा दीजिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मे सुलेम, बिलाशुबा अल्लाह ताला काफी हो गया, यानी उनका भागना जंग हारने का बाइस न बना, और उसने एहसान फरमाया कि हमें फतह अता फरमाई। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4680। इसहाक बिन अब्दुल्ला बिन अबी तलहा ने अपने चचा हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला से अपनी दादी उम्मे सुलेम रजी अल्लाह तआला के वाक़े के हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित की हदीस के मानिंद रिवायत की। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4681। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला से रिवायत है, उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग करते तो उम्मे सुलेम रजी अल्लाह तआला और अंसार की कुछ दूसरी औरतों को साथ ले जाकर जंग करते। वो पानी पिलाती और जख्मियों की मरहम पट्टी किया करती थी। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4682। अब्दुल अजीज बिन सुहैब ने हजरत अनस रजी अल्लाह तआला से हदीस बयान की, उन्होंने कहा, जब उहुद का दिन था लोगों में से कुछ लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर पसपा हो गए, और हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक ढाल के साथ आड़ किए हुए थे। अबू तलहा रजी अल्लाह तआला इंतहाई कुव्वत से तीर चलाने वाले तीरंदाज थे। उन्होंने उस दिन दो या तीन कमानें तोड़ दी। कहा, कोई शख्स अपने साथ तीरों का तरकश लिए हुए गुजरता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, इसे अबू तलहा रजी अल्लाह तआला के आगे फैला दो। कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों का जायजा लेने के लिए झांक कर देखते तो अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अर्ज करते, अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, झांक कर न देखिए, कहीं दुश्मन के तीरों में से कोई तीर आपको न लग जाए, मेरा सीना आपके सीने के आगे ढाल बना हुआ है। कहा, मैंने हजरत आयशा बिनते अबी बकर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा और हजरत उम्मे सुलेम रजी अल्लाह तआला अन्हा को देखा, उन दोनों ने अपने कपड़े समेटे हुए थे, मैं उनकी पिंडलियों के पाजेब देख रहा था। वो अपनी कमर पर मशकीजे लेकर आती थीं, यानी जख्मियों को पानी पिलाते पिलाते उनके मुंह में उन मशकों को खाली करती थीं, फिर वापस होकर उन्हें भरती थीं, फिर आती और उन्हें लोगों के मुंह में फारिग करती थीं। उस दिन ऊंग जाने की बिना पर अबू तलहा रजी अल्लाह तआला के हाथों से दो या तीन मरतबा तलवार गिरी, यानी शदीद थकान और बेखाबी के आलम में भी वो ढाल बनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े रहे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4683। सुलेमान बिन बिलाल ने हमें जाफर बिन मोहम्मद से, उन्होंने अपने वालिद से हदीस बयान की। उन्होंने यजीद बिन हुरमुस से रिवायत की कि मारूफ खारिजी सरदार नजदा बिन आमिर हनफी ने हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से पांच बातें दरियाफ्त करने के लिए खत लिखा। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने कहा, अगर ये डर न होता कि मैं इल्म छुपा रहा हूँ तो मैं उसे जवाब न लिखता। नजदा ने उन्हें लिखा था, अम्मा बात,
मुझे बताइए, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों से मदद लेते हुए जंग करते थे? क्या आप गनीमत में उनका हिस्सा रखते थे? क्या आप बच्चों को कत्ल करते थे? और ये कि यतीम की यतीमी कब खत्म होती है, उसने खुमस के बारे में भी पूछा कि वो किसका हक है। तो हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला नुमा ने उसकी तरफ जवाब लिखा, तुमने मुझसे दरियाफ्त करने के लिए लिखा था, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों से मदद लेते हुए जंग करते थे? बिलाशुबा आप उनसे जंग में मदद लेते थे और वो जख्मियों को मरहम लगाया करती थी और उन्हें गनीमत के माल से मामूली सा अतिया दिया जाता था। रहा गनीमत का बाकायदा हिस्सा, तो वो आपने उनके लिए नहीं निकाला। और यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को कत्ल नहीं करते थे, लिहाजा तुम भी बच्चों को कत्ल न किया करो। और तुमने मुझे दरियाफ्त करने के लिए लिखा था, यतीम की यतीमी कब खत्म होती है? मुझे अपनी उम्र के मालिक की कसम, किसी आदमी की दाढ़ी निकल आती है जबकि अभी वो अपने लिए हक लेने में और अपनी तरफ से हक देने में कमजोर होता है। जब वो अपने लिए ठीक तरह से हकूक ले सके, जिस तरह लोग लेते हैं, तो उसकी यतीमी खत्म हो जाएगी। और तुमने मुझसे खुमस के बारे में दरियाफ्त करने के लिए लिखा था कि वो किसका हक है, तो हम कहते हैं वो हमारा हक है, लेकिन हमारी कौम ने हमारी ये बात मानने से इनकार कर दिया। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 4684। अबू बकर बिन अबी शैबा और इसहाक बिन इब्राहिम दोनों ने हमें हातिम बिन इस्माइल से हदीस बयान की। उन्होंने जाफर बिन मोहम्मद से, उन्होंने अपने वालिद से और उन्होंने यजीद बिन हुरमुस से रिवायत की कि नजदा ने इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला नुमा को उनसे कुछ बातें पूछने के लिए खत लिखा। आगे सुलेमान बिन बिलाल की हदीस के मानिंद है, मगर हातिम की हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन बच्चों को कत्ल नहीं करते थे, लिहाजा तुम भी बच्चों को कत्ल न करो, इल्ला ये कि तुम्हें भी उसी तरह इल्म हासिल हो जाए जिस तरह खिजर अलैहिस्सलाम को उस बच्चे के बारे में इल्म हुआ था जिसे उन्होंने कत्ल किया था। इसहाक ने हातिम से रिवायत करदा अपनी हदीस में ये इजाफा किया, इल्ला ये कि तुम बच्चों में से मोमिन का इम्तियाज कर लो तो काफिर को कत्ल कर देना और मोमिन को छोड़ देना, यानी ये दोनों बातें किसी इंसान के बस में नहीं जब तक अल्लाह ताला न बताए। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 4685। हमें इब्ने अबी उमर ने हदीस बयान की, कहा हमें सुफियान ने इस्माइल बिन उमैया से हदीस बयान की, उन्होंने सईद मकबूरी से और उन्होंने यजीद बिन हुरमुस से रिवायत की। उन्होंने कहा नजदा बिन आमिर हरूरी ने हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा की तरफ लिखा, वो उनसे उस गुलाम और औरत के बारे में पूछ रहा था जो जंग में शरीक होते हैं, क्या वो गनीमत की तकसीम में भी शरीक होंगे, और बच्चों के कत्ल के बारे में पूछा और यतीम के बारे में कि उसकी यतीमी कब खत्म होती है और ज़वील क़ुरबा के बारे में कि वो कौन लोग हैं। तो उन्होंने यजीद से कहा उसकी तरफ लिखो, और अगर डर ना होता कि वो किसी हमाकत में पड़ जाएगा तो मैं उसकी तरफ जवाब न लिखता, उसे लिखो तुमने मुझे उस औरत और गुलाम के बारे में दरियाफ्त करने के लिए खत लिखा था जो जंग में शरीक होते हैं, क्या वो गनीमत की तकसीम में शरीक होंगे, हकीकत यह है कि उन दोनों के लिए कुछ नहीं है इल्ला ये कि उन्हें कुछ अतिया दे दिया जाए, और तुमने मुझसे बच्चों को कत्ल करने के बारे में पूछने के लिए लिखा था, बिलाशुबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कत्ल नहीं किया और तुम भी उन्हें कत्ल मत करो, इल्ला ये कि तुम्हें उन बच्चों के बारे में वो बात मालूम हो जाए जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथी खिजर अलैहिस्सलाम को उस बच्चे के बारे में मालूम हो गई जिसे उन्होंने कत्ल किया था, और तुमने मुझसे यतीम के बारे में पूछने के लिए लिखा था कि उससे यतीम का लकब कब खत्म होगा, तो हकीकत यह है कि उससे यतीम का लकब खत्म नहीं होता हत्ता कि वो बालिग हो जाए और उसकी बलोगत यानी समझदारी की उम्र को पहुंचने के बारे में पता चलने लगे, और तुमने मुझसे ज़वील क़ुरबा के बारे में पूछने के लिए लिखा था कि वो कौन है, हमारा ख्याल था कि वो हम लोग ही हैं, तो हमारी कौम ने हमारी ये बात मानने से इनकार कर दिया। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 4686। अब्दुर्रहमान बिन बिशर अबदी ने हमें यही हदीस बयान की, कहा हमें सुफियान ने हदीस बयान की, कहा हमें इस्माइल बिन उमैया ने सईद बिन अबी सईद से हदीस बयान की, उन्होंने यजीद बिन हुरमुस से रिवायत की। उन्होंने कहा नजदा ने हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा की तरफ खत लिखा और उन्होंने उसी साबिका हदीस के मानिंद हदीस बयान की। अबू इसहाक ने कहा मुझे अब्दुर्रहमान बिन बिशर ने हदीस बयान की, कहा
हमें सुफियान ने पूरी यही हदीस बयान की। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4687। कैस बिन साद ने मुझे यजीद बिन हुरमुस से हदीस बयान की। उन्होंने कहा, नजदा बिन आमिर ने हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा की तरफ खत लिखा तो मैं उस वक्त जब हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने उसका खत पढ़ा और उसका जवाब लिखा उनके पास हाजिर था। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने कहा, अल्लाह की कसम, अगर ये ख्याल न होता कि गालिबन मैं उसे किसी कबीह अमल में पड़ जाने से रोक लूंगा तो उसे जवाब न लिखता, ये उसकी आंखों की खुशी के लिए नहीं। कहा तो उन्होंने उसकी तरफ लिखा, तुमने ज़बील कुर्बा के हिस्से के बारे में पूछा था जिसका अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि वो कौन है, तो हमारा ख्याल ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़राबतदार हम ही लोग हैं, लेकिन हमारी कौम ने हमारी बात मानने से इनकार कर दिया। और तुमने यतीम के बारे में पूछा था, उसकी यतीमी कब खत्म होती है, तो जब वो निकाह की उम्र को पहुंच जाए, उसके समझदार हो जाने का पता चलने लगे और उसका माल उसके हवाले किया जा सके तो उससे यतीमी खत्म हो जाएगी। और तुमने पूछा था क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन के बच्चों में से किसी को कत्ल करते थे, तो बिलाशुबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें से किसी एक को भी कत्ल नहीं करते थे, और तुम भी उनमें से किसी को कत्ल मत करना इल्ला ये कि उनके बारे में तुमको भी उसी बात का इल्म हो जाए जिसका उस बच्चे के बारे में खिजर अलैहिस्सलाम को इल्म हुआ जब उन्होंने उसे कत्ल किया था। और तुमने औरत और गुलाम के बारे में पूछा कि जब वो जंग में शरीक हों तो क्या उनको भी मुकर्रा हिस्सा मिलेगा, वाकया ये है कि उनका कोई हिस्सा मुकर्रा नहीं, हाँ ये कि लोगों की गनीमतों में से उन्हें कुछ अतिया दे दिया जाए। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4688। मुख्तार बिन सैफी ने यजीद बिन हुरमुस से रिवायत की। उन्होंने कहा, नजदा ने हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा की तरफ खत लिखा और उन्होंने हदीस का कुछ हिस्सा बयान किया और उनकी तरह पूरा वाकया बयान नहीं किया जिनकी हदीस हमने ऊपर बयान की है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4689। अब्दुर्रहीम बिन सुलेमान ने हमें हिशाम बिन हसान से हदीस बयान की। उन्होंने हफ्सा बिन तसीरीन से और उन्होंने हजरत उम्मे अतिया अंसारिया रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत की। उन्होंने कहा, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सात ग़ज़वात में शरीक हुई। मैं पीछे उनके जख्मियों में रहती थी, उनके लिए खाना तैयार करती, जख्मियों की मरहम पट्टी करती और मरीजों की देखभाल करती थी। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4690। यजीद बिन हारून ने हिशाम बिन हसान से इसी सनद के साथ इसी तरह हदीस बयान की। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4691। शोबा ने हमें अबू इसहाक से हदीस बयान की कि इब्ने जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा की तरफ से कूफे के अमीर अब्दुल्ला बिन यजीद बिन हुसैन लोगों के साथ बारिश की दुआ मांगने के लिए निकले तो उन्होंने दो रकातें पढ़ी, फिर बारिश की दुआ की। कहा, उस दिन मेरी मुलाकात हजरत जैद बिन अरकम रजी अल्लाह तआला अन्हु से हुई। कहा, मेरे और उनके दरमियान एक आदमी के सिवा कोई न था, या कहा मेरे और उनके दरमियान बस एक आदमी था। तो मैंने उनसे पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी जंगें की? उन्होंने कहा 19। तो मैंने पूछा, आपने उनके साथ कितनी जंगें लड़ी? उन्होंने कहा 17 जंगें। मैंने पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला गजबा कौन सा था? उन्होंने कहा जातुल उसैर या जातुल उशैर। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4692। जुहैर ने हमें अबू इसहाक से हदीस बयान की। उन्होंने हजरत जैद बिन अरकम रजी अल्लाह तआला अन्हु से यह हदीस सुनी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 19 गजबे किए और हिजरत के बाद आपने सिर्फ एक हज किया, उसके सिवा कोई हज नहीं किया, वो हज्जतुल वदा था। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4693। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 19 गजवात में शिरकत की। हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मैं बद्र और उहुद में शरीक नहीं हुआ, मुझे मेरे वालिद ने रोक दिया था। जब मेरे वालिद अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु उहुद के दिन शहीद हो गए तो उसके बाद मैं किसी भी गजबे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शिरकत करने से पीछे नहीं रहा। सही मुस्लिम
हदीस नंबर 4694। अबू बकर बिन अबी शैबा ने हमें हदीस बयान की, कहा हमें जैद बिन हब्बाब ने हदीस बयान की, नीज सईद बिन मोहम्मद जर्मी ने हमें हदीस बयान की, हमें अबू तुमैला ने हदीस बयान की। उन दोनों यानी जैद और अबू तुमैला ने कहा हमें हुसैन बिन वाकिद ने अब्दुल्ला बिन बुरैदा से हदीस बयान की। उन्होंने अपने वालिद से रिवायत की, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 19 गजवे किए, आपने उनमें से 8 में लड़ाई की। अबू बकर ने मिनहुन्ना यानी उनमें से रिवायत नहीं किया और उन्होंने अपनी हदीस में कहा मुझे अब्दुल्ला बिन बुरैदा ने हदीस बयान की। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4695। कहमस ने इब्ने बुरैदा से और उन्होंने अपने वाले से रिवायत की, उन्होंने कहा कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 16 गजावात में शिरकत की। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4696। हमें मोहम्मद बिन अब्बाद ने हदीस बयान की, कहा हमें हातिम बिन इस्माइल ने यजीद बिन अबी उबैद से हदीस बयान की, उन्होंने कहा मैंने हजरत सलमा बिन अकवा रजी अल्लाह तआला अन्हु से सुना, वो कह रहे थे मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 7 गजावात में जंग की और मैं उन दस्तों के साथ था जिन्हें आप रवाना फरमाते थे। 9 गजावात में निकला, एक बार हमारे अमीर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु थे और एक बार हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हुमा। साबिका हदीस में बयान करदा तादाद सही तर है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4697। उतैबा बिन सईद ने हातिम से इसी सनद के साथ हदीस बयान की मगर उन्होंने दोनों जगह 7 गजवात कहे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4698। अबू उसामा ने हमें बुरैद बिन अबी बुरदा से हदीस बयान की, उन्होंने अबू बुरदा से और उन्होंने हजरत अबू मूसा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की, उन्होंने कहा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक गजवे में निकले, हम 6 अफराद थे, हम सब के लिए ऊंट एक ही था, हम उस पर बारी बारी सवार होते थे। कहा हमारे पैरों में सुराख हो गए, मेरे दोनों पांव भी जख्मी हो गए और मेरे नाखून भी गिर गए। हम अपने पांव पर पुराने कपड़ों के टुकड़े बांधा करते थे, इसी वजह से तो उस गजवे का नाम जातिर रिका यानी धज्जियों वाला गजवा पड़ गया, क्योंकि हम अपने पैरों पर फटे पुराने कपड़ों की धज्जियां बांधा करते थे। अबू बुरदा ने कहा हजरत अबू मूसा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यह हदीस बयान की, फिर उसे बयान करने को नापसंद किया, जैसे वो ये बात नापसंद करते हों कि उनके अमल का कोई ऐसा पहलू हो जिसकी उन्होंने तशहीर की हो। अबू उसामा ने कहा बुरैद के अलावा किसी और ने मुझे मजीद ये बात बताई और अल्लाह उसकी रजा दे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4699। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्र की जानिब निकले, जब आप वबरा के हर्रे पर पहुंचे तो एक आदमी आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला, उसकी जुर्रत और बहादुरी का बड़ा चर्चा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने उसे देखा तो खुश हुए। जब वो आपको मिला तो उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की मैं इसलिए आया हूँ कि आपका साथ दूं और आपके साथ गनीमत में से हिस्सा वसूल करूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया क्या तुम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हो? उसने कहा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो लौट जाओ, मैं किसी मुशरिक से हरगिज मदद नहीं लूंगा। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा फिर वो चला गया, हत्ता कि जब हम दरख्त के पास पहुंचे तो वो आदमी दूसरी बार आपको मिला और आपसे वही बात कही जो पहली मर्तबा कही थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उससे वही कुछ कहा जो पहली मर्तबा कहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वापस हो जाओ, मैं किसी मुशरिक से हरगिज मदद नहीं लूंगा। कहा वो वापस चला गया और बैदा के मकाम पर आपको मिला तो आपने उससे वही बात पूछी जो पहली बार पूछी थी, तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हो? उसने कहा जी हाँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया तो फिर हमारे साथ चलो। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4700।